हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? अकाउंट्स ठीक चल रहा है ना? प्यारा सा सब्जेक्ट। देखो आज हमें क्या करनी है, क्लास को, पिछली क्लास को ही आगे बढ़ानी है। मैंने बोर्ड पे वही रखा हुआ है जो पिछली क्लास में हमने एंड किया था। आप चेक करो, हमने क्वेश्चन किया था कई सारे वर्ड पे मास्टरी करने के बाद। हमने पिछली क्लास में आपका डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बैडेट्स क्या होता है, वो पैसे डूब जाना, कर्ज का डूब जाना, फिर आपका डेप्रिसिएशन एक वर्ड हुआ करता था, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। और हाँ, मुझे याद आया कि हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सा है, वो हमने आपका लास्ट टाइम तक डिस्कशन किया था। देखो मैंने अपने इस पेपर पे वो नाम लिखे हुए हैं जिसके ऊपर में मुझे आज आपकी मास्टरी करानी है। आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो इस पेपर में कोई भी ऐसे आपको हैंडराइटिंग मेरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इस पे वो नाम लिखे हुए हैं कि जिनका डिस्कशन हमने पिछले 2-3 क्लासेज में किए हुए हैं, पीछे की क्लासेज में जिनका डिस्कशन हुआ है। आज मुझे उन्हीं नामों को आपको न्यूमेरिकली आपके दिमाग में बैठाना है। आज का पर्पस मेरा ये है, जब ये मेरा काम हो जाएगा बच्चे, फिर मैं आपको अकाउंट्स के अंदर लेकर आऊंगा। क्यों सर, अभी तक हम अकाउंट्स के अंदर नहीं थे क्या? नहीं बच्चे, नहीं, अभी कहां अकाउंट्स के अंदर थे आप? अरे ये तो शब्दों पे हमने, मतलब जैसे आपको बचपन में ABCD सिखाया गया, ABCD होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर पता नहीं बियर या क्या क्या हुआ करता था, वही बात मैंने अभी अकाउंट्स में आपको समझाई है कि आपका अकाउंट शुरू होगा तो एसेट्स होगा, कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब बात अभी तक जो हुई वो अभी अभी हमने आपको कॉमर्स का ABCD सिखाया है। अब आप थोड़े से सेंटेंस बनाने लायक आप बन चुके हो, है ना? क्योंकि जब हम क ख ग घ जानते हैं तो क से कबूतर बनाते हैं, कब से काम बनता बनता चला। हाँ जी सर, हाँ। तो आज हम क्या करेंगे, पहले मैं न्यूमेरिकली इन बातों को आपको दोबारा समझाऊंगा और उसके बाद क्या होगा, आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पे मैंने आपको छोड़ा था, आप ना लिखो आज एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 उसी क्लास के आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे जहां पे पिछली क्लास में छोड़ा था आपने। कहता है यहां पे, जरा लिख रहा है एग्जाम्पल में, मान लो कहता है कि आपका जो कैश परचेज है, कैश परचेज, देखो मैं आपको बता दूं, जब भी कहता हूं कैश परचेज अकाउंटेंसी में, तो मेरे बच्चे अगर मैं आगे ना बताऊं कि परचेज किस चीज का, मशीन का, बिल्डिंग का, गुड्स का, किसका, अगर ना बताऊं तो पूरे अकाउंटेंसी में आप हमेशा मानते हैं कि ये गुड्स का परचेज है, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया हुआ है कि परचेजेज वर्ड जो होता है वो गुड्स के लिए यूज आपका होता है। तो मेरे बच्चे कहता कि कैश परचेज, लो आज मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑफ गुड्स, इसके बाद तो लिखना ही बंद कर दूंगा। ये कहता है कि आपने 5 लाख का परचेज किया है कैश पे, ठीक है ना? फिर कहता है, लिखो मेरे साथ क्रेडिट परचेज, हमने जो क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किस चीज का, जी अगेन ऑफ गुड्स, गुड्स का जो हमने परचेज किया है वो कहता है कि 3 लाख का अमाउंट आपका है, 3 लाख का। फिर कहता है कि ये जो क्रेडिट परचेज किया आपने गुड्स का 3 लाख का, फिर कहता है यहां पे परचेज लिखिए, यहां पे कहता है कि परचेज ऑफ मशीन, लो इस बार वो कहता है कि भैया हमने मशीन परचेज किया है 2 लाख का। आप जानते हो कि मशीन हमारा गुड्स नहीं होता बच्चे, जब बात गुड्स की उठेगी जिनमें मैं डील कर रहा हूं, अगर मेरा काम मार्कर को बनाना और बेचना है तो मैं मार्कर को गुड्स कहता हूं, आप इस बात को जानते हैं। तो कहता है कि नहीं जी, आपने जो मशीन परचेज किया वो 2 लाख का, ध्यान दीजिए गुड्स हमारा नहीं है। फिर कहता है कि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ध्यान दीजिए परचेजेज कहे या परचेज रिटर्न करे, ये हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है, हमेशा गुड्स के लिए पूरे अकाउंटेंसी में। तो परचेज रिटर्न लिख दो ब्रैकेट में, कहता है कि ऑफ गुड्स, गुड्स का जो परचेज रिटर्न आपका हुआ वो मान लो 40,000 का, है ना? परचेज रिटर्न का मतलब होता है बच्चे जो गुड्स हमने परचेज किया था कुछ शायद क्वालिटी में खराब था, हमने उसको वापस कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न आपका, ठीक है ना? कहता है कि कैलकुलेट, कहता है कि कैलकुलेट टोटल परचेजेस,
टोटल परसेंटेज। अब देखो वो कहता है कि आप पता करो टोटल परसेंटेज, लेकिन क्या बता रहा है क्या किस चीज का परसेंटेज? नहीं सर नहीं। तो ये हमेशा क्या मानेंगे हम ऑफ गुड्स, गुड्स का परसेंटेज की बात कहता है। एंड एंड कहता है कि जरा बताओ आपका नेट परसेंटेज कितना है, नेट परसेंटेज। सर नेट परसेंटेज आगे ना बोले तो क्या, कहा ना बच्चे हमेशा क्या मानेंगे गुड्स का आपका। सर इस दोनों में क्या फर्क है, आओ जरा मैं आपको बताऊं। टोटल परचेज कहते बच्चे, या इसको एक और नाम दे देगा ग्रॉस परचेज, ग्रॉस परचेज। तो आप चिंता नहीं करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आप जरा मैं सॉल्यूशन में आपको पहले बताऊं कि आपका टोटल परचेज कैसे निकलेगा। देखो टोटल परचेज हमें गुड्स का निकालना है, गुड्स का। आप मुझे बताओ ये जो नाम मैंने लिखा है इसमें गुड्स की बातें कौन कौन सी है? सर ये गुड्स है, ये गुड्स है। अच्छा ये भी गुड्स है क्या? नहीं सर नहीं, ये तो मशीन है, इसको हटा दो। तो सर जब टोटल परचेज की बात उठेगी तो एक तो आपने कैश पे जो गुड्स परचेज किया, कैश परचेज आप एक तो वो ले लेंगे 5 लाख का अमाउंट, और एक आप ले लेंगे क्रेडिट परचेज, जो आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है। जरा बताओ क्रेडिट पे गुड्स हमने कितने का परचेज किया? सर 3 लाख का अमाउंट आपका। तो मेरे बच्चे अगर हम बात करते हैं टोटल या ग्रॉस परचेज का, तो इन दोनों को ऐड कर दो, वही आपका टोटल परचेज हो जाएगा। अकाउंटेंसी के अंदर में जब भी टोटल परचेज कहते हैं तो आपने कैश और क्रेडिट, तीसरा तो कोई तरीका होता ही नहीं परचेज करने का। अरे कोई भी सामान अगर मैं परचेज करता हूँ, मान लो मैं मार्कर को परचेज करता हूँ, तो कैसे परचेज करूंगा? या तो कैश पे या क्रेडिट पे। तो जो कैश पे परचेज किया और जो क्रेडिट पे परचेज किया, दोनों को ऐड कर दो, टोटल परचेज आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर हाँ सर हाँ। अच्छा फिर कहता कि नेट परचेज बताओ। पता बच्चों जब आपको नेट परचेज निकालना होगा ना, तो नेट परचेज का मतलब होता है कि देखो जी एक तो पक्का है कि गुड्स की बात कर रहे हैं, आपने क्या करना है कि जो टोटल आपने परचेज किया था, टोटल जो आपने परचेज किया था मतलब कितना 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख साथ साथ लिखेंगे आप, साथ 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 लिखना, बड़े बच्चे हैं। इस टोटल परचेज में मेरे बच्चे परचेज रिटर्न को आप यहां से क्या करो, माइनस कर दो। अगर मैं परचेज रिटर्न जो आपने किया 40,000 माइनस कर दूं, तो जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया, 7,60,000 मेरे बच्चे। इसी को कहा जाएगा नेट परचेज, इसी को कहा जाएगा आपका नेट परचेज। बात समझ में आ रही है? हमने परचेज 8 लाख का किया, लेकिन जितने का परचेज किया था उसमें कुछ वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। ये देखो मेरे हाथ को परचेज रिटर्न, मेरे पास जो गुड्स है ना बच्चे, इनमें से मैंने क्या किया, वापस कर दिया। आप बताओ आपकी क्लास से गुड्स अंदर आ रहा कि बाहर जा रहा है? जरा बताओ गुड्स अंदर आ रहा कि बाहर? जब रिटर्न करूंगा, मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मैं रिटर्न करूंगा तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा, आउटवर्ड, आउटवर्ड। मैंने कहा था कि इस परचेज रिटर्न, रिटर्न को मेरे बच्चे हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं, लिख लो, हमें वर्ड पे तो मास्टरी करनी है। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे परचेज रिटर्न, और नेट परचेज कितना आ गया जी, 760। नेट परचेज सिंपल शब्दों में जितना परचेज किया उनमें से जो हमने वापस कर दिया वो तो हमारा परचेज नहीं रहा, हम माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, और बताओ सर, और बताओ। तो देखो मैंने आपको क्या किया यहाँ पे, आपको बताया क्या मतलब होता है आपका टोटल परचेज का, परचेज रिटर्न का। जब हम बात परचेज की करेंगे, जब हम बात गुड्स की करेंगे, तो गुड्स में कभी मशीन नहीं आएगा। मशीन आपका एक फिक्स्ड एसेट्स होता है, और फिक्स्ड एसेट्स गुड्स नहीं होता। गुड्स का मतलब हमने क्या बताया था, जिसमें हम डील करते हैं मेरे बच्चे, जिसमें हम डील करते हैं उसको हम कहते हैं गुड्स आपका यहाँ पे। आओ जरा मैं एक और एग्जाम्पल लेके चलूं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3। मैं यहाँ पे ब्लैक से लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि लाल रंग को जब देखते हो ना बच्चे, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा एक खून खून मेरा खोल उठता है, और लगता है ना कि मैं किसी का खून पीना चाहता हूँ। तो फिर लाल से नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मैं ब्लैक से लिखूंगा, मुझे ब्लैक ब्लैक खेलना अच्छा लगता है। आप आओ जरा एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ। कहते हैं कि कैश सेल्स, कैश सेल्स। अब बताओ कैश सेल्स जो किया, अगर मैं आगे ना बोलूं तो क्या मानेंगे, ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब क्या, जिसमें हम डील कर रहे हैं। मान लो ये कहता है कि 6 लाख का आपका कैश सेल्स है। फिर कहता है मेरे बच्चे क्रेडिट सेल्स, हमने क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट सेल्स अगर ना बोलूं तो क्या मतलब, ऑफ गुड्स, गुड्स का हमने सेल किया, क्रेडिट आपका किसको बेचा? कहता है कि लो जी हमने कहा कि एक तो टू राम को बेचा हमने, फिर कहता है कि हमने मोहन को बेचा है, हमने मोहन को बेचा है,
हमने यहाँ पे सोहन को भी बेचा है, सोहन को भी, तीन कस्टमर हमारे पास है। हमने राम को कहता है कि यहाँ पे मान लो 2 लाख का सेल किया क्रेडिट पे गुड्स का, हमने यहाँ पे 5 लाख का सेल किया है क्रेडिट पे आपका मोहन को, एंड सोहन को मान लो 1,50,000 का सेल किया है क्रेडिट पे, ठीक है ना। फिर कहता आगे आगे लिखना, ये आपको आगे लिखना, कहता कि सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो सेल रिटर्न हो गया किससे जी, कहता कि फ्रॉम, फ्रॉम इसमें से राम ने क्या किया मेरे बच्चे, राम ने क्या किया, गुड्स वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न ध्यान रखना, ना बोले तो हमेशा क्या मानेंगे गुड्स का, हमेशा सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, ये बातें आपको ना बताए किसकी है तो हम गुड्स का मानते हैं पूरे अकाउंटेंसी में, पूरे अकाउंटेंसी में। तो सेल्स रिटर्न कहता है कि फ्रॉम राम जो आपका हुआ है वो कहता है कि आपका मान लो यहाँ पे 30,000 का हुआ है, 30,000 का, 30,000, ठीक है ना। यानी कि राम ने जो 2 लाख का परचेज किया था बच्चे, उसमें 30,000 का इसने वापस कर दिया गुड्स हमें, खराब निकल गया होगा वापस कर दिया, कोई बात नहीं। आगे लिखना, ये जो मोहन है ना जिसको मैंने 5 लाख का सेल किया था क्रेडिट पे, 5 लाख का सेल किया था क्रेडिट पे, कहता है कि इससे मुझे कुछ पैसे मिल गए, लिखिए यहां पे कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम, फ्रॉम मोहन, मोहन से क्या क्या हमने कुछ पैसे कलेक्ट किए हैं, कलेक्शन फ्रॉम मोहन, कलेक्शन का मतलब क्या जी, कैश, हमने क्या कलेक्ट किया होगा, पैसा लिया होगा, तो कैश जो है वो कहता है कि फ्रॉम मोहन हमारे पास आया है रुपीज, कहता है कि 2,80,000, 2,80,000 का आपने यहाँ पे कलेक्शन किया है मोहन से आपका। तो सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम आपका 30,000 का हो गया है, और मोहन से जो पैसा कलेक्ट किया वो कितना, कहता है कि 2,80,000 का, 280 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में, सर अभी कुछ समझाया कहाँ आपने, ठीक है ठीक है। आगे लिखना, आगे लिखना, कहता है कि फिर कहता है कि कैश कलेक्टेड, कैश कलेक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम सोहन, कहता है कि सोहन से भी हमने कैश ले लिया, वो कहता है कि रुपीज 60,000, कहता है कि एंड, एंड डिस्काउंट अलाउड, कहता है कि एंड डिस्काउंट अलाउड, हमने, हमने डिस्काउंट भी इनको दिया जी, डिस्काउंट अलाउड टू सोहन, हमने सोहन को डिस्काउंट अलाउ किया है, कितना आपका यहाँ पे 5,000, 5,000 रुपए का। देखो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, हमने कहा कि कैश पे गुड्स बिका 6 लाख का, जो क्रेडिट सेल्स किया राम को, मोहन को, सोहन को, इतने इतने का, सेल्स रिटर्न कहता है कि फ्रॉम राम आपका 30,000, मतलब राम को जितना सेल किया तो उसमें 30,000 का उसने वापस कर दिया, मोहन जिसको 5 लाख का सेल किया था क्रेडिट पे उसने 2,80,000 का पैसा हमें दे दिया, और देखो ना हमने जो कैश कलेक्ट किया सोहन से इस 150 में से 60 मेरा कलेक्ट हो गया, और डिस्काउंट हमने उसको कितना दिया 5, ये कौन सा डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश है कि ट्रेड है। सर सर ये कैश डिस्काउंट होगा, क्यों कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि सर आपने कहा था कि एक बार सेल को बुक में रिकॉर्ड करने के बाद, सेल को, जो सेल की एंट्री होता है मेरे बच्चे, वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन कहता है कि हमने सोहन को 1,50,000 का सेल किया है तो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस कर दिया गया होगा, क्योंकि जितने पे सेल करते हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हम उसी से एंट्री करते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी, याद है ना आपको, सर हाँ सर हाँ, अगर भूल गए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार मेरे पिछली क्लास का आप रिविजन कर ले, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अब बात यहां उठी कि जो सोहन को सेल किया था उसने 60 तो मुझे दे दिया और हमने 5,000 उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा जरा बताओ, हो सकता है उसने टाइमली पेमेंट कर दिया हो, हो सकता है कि उसने, हमने जल्दी पेमेंट कुछ ले लिया होगा जी, तो हमने 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब कहता इसमें कि कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है क्या जी, नंबर वन, नंबर वन, एक तो कहता है कि जरा बताओ टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल सेल्स, फिर कहता है जरा बताओ आपका नेट सेल्स कितना हुआ, नेट सेल्स कितना आपका हुआ, फिर कहता है तीसरे में कि जरा बताओ आपका यहां पे अमाउंट, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू फ्रॉम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, राम एट द एंड, मतलब एंड में राम से मुझे अभी और कितना लेना है, फिर कहता है कि जरा बताओ अमाउंट, अमाउंट ड्यू, ड्यू फ्रॉम, दूसरा कौन था, मोहन, जरा बताओ मोहन से हमें कितना अभी और लेना है एट द एंड, एंड मतलब साल के एंड में, और फिर मेरे बच्चे कहता है कि जरा बताओ आप जब लिख ही रहे हो
तो ये भी बता दो कि अमाउंट जो अभी ड्यू है फ्रॉम फ्रॉम क्या नाम उसका, सोहन, तीसरा बंदा सोहन था ना सर, हाँ, एट द एंड। ये तीन सवाल वो आपसे पूछता है इधर आपका। एक और सवाल कहता है सेवेंथ में, जरा ये भी बता दो आप सेवेंथ में कि आपके पास टोटल डेटर्स, सॉरी टोटल डेटर्स एट द एंड, एंड में आपके पास टोटल डेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, छह सवाल क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, इसमें छह सवाल पूछा है। आपको क्या करना है मेरे बच्चे, जवाब देना है एक एक करके कि आखिर इसका क्या होगा। लेकिन अभी आप दिमाग यूज ना करो, अभी नहीं करो, अभी नहीं, आप जरा एक मिनट मेरी बात सुन तो लो, जरा मेरी बात सुन तो लो कि मैं आखिर यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। जरा सुन लो मेरी बात, यहाँ पे मुद्दा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मुद्दा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है। पता नहीं आज गला क्यों बैठा हुआ है, बट मैं बोलूंगा, आप चिंता ना करना। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कौन सी बातें, मतलब ये क्या है। तो आओ जरा मैं आपसे एक एक करके देखता हूं। लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन में, नंबर वन क्या पूछ रहा है जी, टोटल सेल्स। अरे सुनो ना, टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है। एक तो आपका जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स का मतलब होता है कि गुड्स को बेचना कैश पे। जब गुड्स को हम सेल करते हैं कैश पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैश सेल्स इन होल अकाउंटेंसी। तो लो 6 लाख का आपने कैश सेल्स किया। कैश सेल्स का ये मतलब मत समझना कि हमने कैश बेचा है, ना बच्चे ना। कैश सेल्स का ये मतलब नहीं होता कि हमने कैश बेचा। कैश किसको बेचूंगा जरा बताओ, कभी सुना कि हम कैश रुपए किसी को बेचते हैं। कैश सेल्स का मतलब होता है कि गुड्स जिसमें मैं डील कर रहा हूं ना बच्चे, जिसमें मैं डील कर रहा हूं, इसको मैंने किसी को सेल किया है और वो क्या, कैश पे आपका। तो कैश सेल्स हमने 6 लाख का किया, ठीक है। अच्छा बताओ, आपने जो क्रेडिट सेल्स किया है, आप जरा बताओ क्रेडिट सेल्स जो आपने किया है वो कितना किया। सर राम को 2 लाख का, मैं यही लिख देता हूं ब्रैकेट में, राम को हमने 2 लाख का सेल किया है। हमने मोहन को 5 लाख का सेल किया है, क्रेडिट पे तो बेचे हैं, ये कस्टमर के नाम है। और ये 1,50,000 हमने सेल किया है इनको जी, सोहन को। तो जरा बताओ तीनों ऐड करना कितना हो गया। सर 8,50,000, लिखो यहां पे 850 का अमाउंट आपका। तो मेरे बच्चे 850 + 6 कितना हो गया आपका, 14,50,000। 1450, ये जो 1450 है हम इसे कहेंगे ये हमारा टोटल सेल्स आपका है, ये हमारा टोटल सेल्स निकल के आ गया। तो टोटल सेल्स का मतलब होता है कि सेल जो हमने किया है कैश पे और दूसरा क्रेडिट पे, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, टोटल सेल्स। लीजिए हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट। नाउ नेट सेल्स, आप जानते हो जब बात नेट सेल्स की उठेगी तो आपने एक काम करना होता है कि जो टोटल सेल्स आपने किया 14,50,000, इसमें से मेरे बच्चे जो सेल्स रिटर्न है, अगर किसी कस्टमर ने जिसको आपने सेल किया था अगर उसने वापस कर दिया, अगर गुड्स उसने वापस कर दिया, तो हम उसको माइनस करके हम सेल्स रिटर्न को पता करते हैं। जरा बताओ कि 1450 का जो सेल किया हमने टोटल कैश और क्रेडिट मिला के, क्या किसी ने गुड्स वापस किया है क्या। सर हाँ, ये देखो ना, सेल्स रिटर्न आपने कहा था कि ना बताओ तो हमेशा गुड्स का माना जाएगा, तो गुड्स का जो सेल किया था बच्चे वो रिटर्न हो गया राम से 30,000 का, राम से 30,000 का। तो सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम, आपने क्या करना है कि राम से जो आया था, और एक काम करना फ्रॉम राम को ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि हमें ये नहीं पूछ रहा किससे रिटर्न माइनस किएंगे, किसी से भी हो, कोई भी कस्टमर ने गुड्स वापस किया तो हम उसको माइनस करते हैं। तो आप सेल्स रिटर्न जरा बताओ कितने का आपका हुआ है, ये देखो जरा कहां गया, ये देखो आपका 30,000। आप इसमें से 30,000 के अमाउंट को माइनस कर दो तो आपका 14,20,000 का जो अमाउंट निकल के आया मेरे बच्चे, हम इसे नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल्स का मतलब होता है कि जो हमने टोटल सेल किया उसमें से रिटर्न माइनस कर दो। सर आज आप हमें क्या करा रहे हो, कहा तो था बच्चे कि पिछली क्लासेज में जितने सारे वर्ड की हमारी मास्टरी हुई थी उन्हीं वर्ड का मैं आपको यहां पे न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि हर एक वर्ड का क्या मतलब होता है, ताकि हम आगे अपने स्पीड को तेज कर पाए। अच्छा सर ठीक है, ये भी हो गया। सर फिर लिखा आपने अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम एट द एंड, यानी कि थर्ड पॉइंट लिखो यहां पे, हमें यह जानना है कि अमाउंट जो आपका ड्यू है फ्रॉम राम, राम एट द एंड का मतलब होता है वर्ष यानी कि साल के एंड में।
साल के एंड में आखिर राम से कितना अमाउंट ड्यू है, साल के एंड में राम से कितना ड्यू है, ये कैसे निकालेंगे? तो मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से, नजर यहां नजर यहां, देखो मैं कैसे निकालूंगा। आप बताओ सेल हमने राम को कितने का किया था, 2 लाख का। तो पता मैं क्या करूंगा, जो हमने यहां पे अगर हमें पता करना कि राम से कितना और लेना है जी, तो जो सेल हमने किया था 2 राम, जरा बताओ राम को कितने का सेल किया था, 2 लाख, क्योंकि बात यहां पे सिर्फ राम से उठ रही है। तो राम को जो सेल किया था ना बच्चे, उसमें से सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो आपका हो गया फ्रॉम राम, राम ने जो वापस कर दिया कितना वापस कर दिया, 30,000, आप इसमें से माइनस कर दो तो अमाउंट जो आएगा, अमाउंट आएगा ये हो गया आपका 1,70,000। मेरे बच्चे सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, आप राम हो, आप राम हो और मैंने आपको 2 लाख रुपए का गुड्स बेचा था, तो मुझे आपसे कितना लेना है, 2 लाख रुपए लेने हैं, लेने हैं ना सर? हाँ। अरे उसमें से 30,000 रुपए का गुड्स आपने मुझे वापस कर दिया, आपने कहा सर क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है, ये गुड्स आप ले जाओ, हम ये नहीं रखेंगे। तो मुझे बताओ कि अगर 2 लाख में 30 का आपने वापस कर दिया, तो मुझे और आपसे कितना लेना है सर, 1,70,000, यही हो गया बच्चे अमाउंट ड्यू एट द एंड आपका 170, क्योंकि आप देख सकते हो कि राम ने मुझे कोई पेमेंट अभी तक किया ही नहीं है, 1 रुपए का पेमेंट नहीं आया बदमाश से। तो जब पेमेंट नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि 2 लाख में 30 हटाओ, 170 आपसे मुझे हमें लेना है, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। आओ ना फिर पूछता, जरा बताओ अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन कितना है। तो आप लिखो यहां पे अमाउंट ड्यू, यानी कि जो बकाया है फ्रॉम मोहन, मुझे मोहन से जो पैसा लेना है आगे ब्रैकेट में एट एंड, वो कितना, जरा चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो बात एक एक कस्टमर की हो रही है, बात यहाँ पे एक एक कस्टमर की हो रही है। जरा बताओ मोहन को हमने सेल कितने का किया था, सिर्फ 5 लाख का। तो हमने जो सेल किया था ना बच्चे, सेल टू आपका मोहन 5 लाख, पहले वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखो। क्यों सर सिर्फ मोहन का क्यों लिख रहे हो, आप सोहन का भी तो लिखो, राम का भी? ना बच्चे ना, ना मैं सिर्फ मोहन, मोहन जो मेरा कस्टमर, मैं उसके हिसाब की बात कर रहा हूं। अरे हर एक का हिसाब रखना पड़ेगा अलग अलग। तो मैंने मोहन का हिसाब रखा कि भैया मोहन को तो सेल हमने 5 लाख का किया था। जरा चेक करते हैं कि सेल करने के बाद मोहन ने क्या क्या किया। ये देखो मैंने मोहन से पैसे रिसीव किए हैं, कितना, 2,80,000। अरे मोहन ने क्या किया, जितना हमने सेल किया था उसमें उसने पैसे वापस कर दिए, यानी कि मोहन से हमने कलेक्शन किया है, कलेक्शन मतलब पैसा कलेक्ट किया है फ्रॉम मोहन। मुझे बताओ मोहन जिसको मैंने 5 लाख का सेल किया था उससे कितने का कलेक्शन हो गया, सर 2,80,000 का। तो मुझे कोई बताएगा कि अगर 5 लाख में 2,80 कलेक्ट हो गया तो मुझे और आपसे कितना कलेक्ट करना है, सर 2,20,000। मेरे बच्चे यही हो गया मोहन से जो पैसा ड्यू है एट द एंड ऑफ ईयर। ध्यान रखना एक एक कस्टमर का, आप कल को कल बिजनेस करोगे तो आप हिसाब नहीं रखोगे क्या, राम को कितना बेचा था कितना पैसा मिल गया, कितना पैसा मिलना बाकी है, मोहन को कितना बेचा था कितना पैसा मिल गया कितना बाकी है, वही काम तो यहां पे कर रहे हैं। तो बात राम की भी हो गई मोहन की भी हो गई। आओ जरा पांचवा लिखो मेरे साथ यहां पे अमाउंट ड्यू, लिखिए यहां पे, अब पता कर रहा हूं अमाउंट ड्यू फ्रॉम, फ्रॉम क्या नाम है तीसरे का जी, सोहन का, सोहन। और कब पता कर रहा हूं यहां पे, एट द एंड, साल के एंड में, मैं साल के एंड में, मान लो इतनी सारी बातें हुई तो मैं पता कर रहा हूं क्या हुआ है। जरा बताओ क्वेश्चन में जल्दी से, सेल जो हमने किया था सोहन को वो कितने का किया था, आप जरा बताओ सेल हमने सोहन को कितने का किया था। सर सोहन को हमने 1,50,000 का सेल किया है, सर 150 का अमाउंट, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मुझे ये बताओ कि 150 का जो सोहन को सेल किया था उसके बाद सोहन से क्या क्या हुआ, सर आपने 60,000 उनसे कलेक्ट कर लिया और 5,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे बच्चे 150 में जो मैंने पैसा कलेक्ट कर लिया, यानी कि जो कलेक्शन हुआ फ्रॉम सोहन, सोहन से जो आपको पैसा कलेक्ट किया वो जरा बताओ कितना कलेक्ट किया आपने यहां से सोहन से, सर सोहन से 60,000 माइनस कर दो ना। अरे 1,50,000 में 160 तो कलेक्ट हो ही चुका है और एक काम करो डिस्काउंट भी तो है, तो आप लिखना यहां पे डिस्काउंट, डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया था, अलाउ किया था मतलब जो डिस्काउंट दिया था वो कितना जी, 5,000 का अमाउंट। तो मुझे ये बताइए कि 150 में 60 मुझे मिल गया और 5 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो एक तरीके से 150 में 65 का पैसा कलेक्ट हो गया, 60 हमारे पास कैश आया, 5,000 रुपए हमने छोड़ दिया। तो बताओ जरा
अभी और मुझे इनसे कितना लेना है, सर ये 85,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। 85, एक बार चेक कर लूं क्या मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत है बच्चे, थोड़ा कम ही है, मेरा दिमाग कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाता, बट ठीक निकाला 85,000 का ही अमाउंट है। तो ये हमने क्या किया, हर एक कस्टमर का एक एक काम निकाला। जरा आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं थोड़ा सा आगे की बात थोड़ा करना चाहता हूँ, जरा सुनना सुनना मेरी बात। आपने टाटा का नाम तो सुना होगा, सुना है ना सर? हाँ सर हमने तो सुना है। रिलायंस का भी नाम सुना होगा सर? हाँ सर हमने उनका भी नाम सुना हुआ है। आप बताओ टाटा रिलायंस में दो तीन कस्टमर ही होते हैं क्या? दो तीन कस्टमर ही होते हैं क्या? नहीं सर नहीं, वहां तो लाखों करोड़ों कस्टमर होते हैं। हाँ बच्चे हाँ, अब देखो तीन कस्टमर का रिकॉर्ड रखने में हमें इतनी परेशानी हुई तो लाखों करोड़ों लोगों का अकाउंट कैसे मेंटेन होता होगा, ये सोचने की बात है। ये बात सोचने की है और आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सोच आपको अकाउंट्स में आगे लेकर जाएगा। और पूरे अकाउंटेंसी में, पूरे बुक में मेरे बच्चे यही पढ़ाई करनी है कि आखिर वो करोड़ों लोगों का रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होता होगा। और मैं सिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। ये मत सोचना कि आप छोटे बच्चे हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा बच्चे। मैं आपको उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा जहां पे बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, जहां बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। सर आप बुराई कर रहे हो, अपनी नहीं आपकी कर रहा हूं, आपकी। आप जरा सोचो आज से दो तीन महीने के बाद आप कहां पहुंचने वाले हो, जहां पे दुनिया में बच्चों को बहुत कम अकाउंट समझ में आता है वहां पे आप अकाउंट्स के मास्टर कहे जाओगे। कुछ समय के बाद लोग कहेंगे कि ये गॉड ऑफ अकाउंट्स है, ये कुछ कहेंगे कि ये फादर ऑफ अकाउंट्स है, कुछ कहेंगे दादा ऑफ अकाउंट्स है, कुछ कहेंगे नाना, मतलब क्या क्या नाम आपको दिया जाएगा वो आपको बना रहा हूं। मैं तो चला जाऊंगा दुनिया से कुछ समय के बाद, ऐसे ही 80-85 साल का हो चुका हूं, कुछ दो चार साल और जीना है मुझे, लेकिन आपको बहुत आगे जाना है, अकाउंट समझना है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, हमारे अंदर सर शक्तियां आ रही हैं। आगे बताओ सर, कुछ नहीं बताना। अब देखो ना फिर क्या बोलता है, डेटर्स बताओ कितना है। 6 पॉइंट में कहता जरा बता दो साल के एंड में टोटल डेटर्स आपके पास कितने हैं, टोटल डेटर्स एट एंड। याद है मैंने डेटर्स का मतलब क्या बताया था, डेटर्स का मतलब क्या बताया था, डेटर्स का मतलब क्या बताया था? अरे डेटर्स का मतलब हमारे वो कस्टमर, हमारे वो कस्टमर जिनको हमने गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट, जिन कस्टमर को हम गुड्स सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, उनको क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, बोलते हैं ना बच्चे। हाँ, और हाँ हम डेटर्स एंड में आपसे पूछ रहे हैं, तो जरा बताओ कौन कौन से ऐसे डेटर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, डेटर्स कौन है? सर राम भी डेटर्स है, सर मोहन भी डेटर्स है, एंड सोहन भी डेटर्स है, तीनों डेटर्स है। क्यों तीनों डेटर्स हैं जी? क्योंकि तीनों को हमने गुड्स को सेल किया है ऑन क्रेडिट। तो मेरे बच्चे जिनको भी हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे, दे ऑल आर कॉल्ड डेटर्स फॉर द कंपनी। तो ये डेटर्स है मेरे बच्चे, डेटर्स है। वो पूछ रहा है कि जरा बताओ डेटर्स आपके एंड में कितने हैं। तो एक काम करना, राम से जो पैसा लेना है, राम से जो पैसा लेना है एंड में कितना, 170 वो ले लो आप यहाँ पे। फिर हमने मोहन से जो पैसा लेना है, मोहन से जो पैसा लेना है बताओ मोहन से कितना लेना है, सर 2,20,000 वो ऐड कर दो आप यहाँ पे। और ये जो सोहन है ना तीसरा बंदा, इस सोहन से जो आपने पैसा लेना है कितना, 85,000 इसको भी ऐड कर दो। ये तीनों जो एंड में है वही टोटल डेटर्स आपका हो जाएगा एंड में। तो बताओ जरा कितना हो गया, 1,70,000 आपका, फिर 2,20,000 और फिर मेरे बच्चे 85,000। तो ये टोटल आपका हो गया 4,75,000 का अमाउंट आपका, 475। तो डेटर्स कोई पूछे कि बताओ डेटर्स आपका एंड में कितना, तो कहना 475 है। अरे जितने सारे आपके कस्टमर हैं उन कस्टमर से जितना पैसा आपने रिसीव करना है उस अमाउंट को आप ऐड कर दो एंड में, वो आपका डेटर्स हो जाएगा। यही तो बातें निकल के आई, आई बात समझ में सर? हाँ सर हाँ, ये तो बात सर समझ में आ गई। कुछ और समझाओ सर, कुछ और अच्छी बातें समझाओ। ठीक है मैं इसको हटाता हूँ, आप कहो तो ये इधर से तो मिटा दो कम से कम। हमने आपको सेल्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, इन सारी बातों को मैं आपको समझाया जा रहा हूं। आज जरा एक और बात हम थोड़ा यहां पे करें, थोड़ा सा और बात हम करें यहां पे। लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे, लिखेंगे लिखेंगे आप। अरे एक मिनट, एक बात और बताना था, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एक नाम मैंने और भी आपको दिया था अगर आपको याद होगा तो। याद है मैंने क्या बोला था, ये देखो ये मेरे जो मार्कर है ना बच्चे, मेरे गुड्स मैंने सेल कर दिया, देखो क्लास से बाहर चला गया, सेल कर दिया, चला गया मेरे पास से। ये क्लासरूम जो है मेरा दुकान है, और दुकान से क्या हुआ, चला गया आपका।
अब होता क्या है कि जो मैंने सेल रिटर्न किया, सॉरी जो मैंने सेल किया, उसमें से किसी कस्टमर ने वापस कर दिया गुड्स, मुझे गुड्स वापस कर दिया। ये देखो रिटर्न आपका हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। आप बताओ अगर जो रिटर्न हो रहा है वो शॉप से बाहर जा रहा है कि शॉप के अंदर आ रहा है? सर अंदर आ रहा है, हम इसे कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न का मेरे बच्चे दूसरा नाम, तो सेल्स रिटर्न को हम यहां क्या बोलते हैं जी? रिटर्न इनवर्ड। हमें बिल्कुल ध्यान से और सिंपल सिंपल शब्दों में इन सब का मतलब आपको समझना है। ये हमारा रिटर्न आउटवर्ड होगा, सॉरी रिटर्न इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब क्या जी? हमारे दुकान में ये बाहर से आया है, जब आएगा तो सेल्स रिटर्न है, जब जाएगा तो परचेज रिटर्न है। ये बातें हमने आपको बताई, ठीक है ना यहाँ पे? सर हाँ सर हाँ। अच्छा सर और भी ऐसा कराओ ना सर, आपने पिछले 2-3 क्लास में हमें बोर कर दिया था सर। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, हमें तो लगा था कि अकाउंटेंसी बस थ्योरी है। आज सर थोड़ा समझ में भी आ रहा, लग रहा कि आपको पढ़ाने आता है थोड़ा बहुत, तो आप सर अगला कराओ। लो मैं एग्जाम्पल का नंबर ही भूल गया, आई थिंक 1, 2, 3 था, एग्जाम्पल नंबर 4th लिखो यहाँ पे, 4th यहाँ पे 4th लिखेंगे। कहता इस बार आपका, कहता इस बार कि हमने जो क्रेडिट परचेज किया है, अब हम बात कर रहे हैं परचेज का, क्रेडिट परचेज। कहता है कि जो क्रेडिट परचेज किया वो कहता है कि हमने यहां पे, जरा बताओ किस चीज का नाम बोले तो जी? सर गुड्स का। गुड्स का जो परचेज किया बच्चे हमने क्रेडिट पे, वो कहता है कि आपने यहां पे एक्स से लिया, वाई से लिया, जेड से लिया, 3 लोगों से हमने सॉरी हमने एक्स जो है ना इनसे 7 लैक्स का परचेज किया है, 7 लैक्स का। वाई से मान लो 4 लैक्स का परचेज किया है, और जेड से यहां पे मान लो हमने 8 लैक्स का परचेज किया। आप जानते हैं ये तीनों जो है मेरे बच्चे, उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लायर्स, सप्लायर्स। और सप्लायर से अगर हम क्रेडिट पे लेते हैं तो सप्लायर को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोलते हैं। आप ये बात जानते हो ना, एक्स वाई जेड जिनसे हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट, दे आर कॉल्ड सप्लायर फॉर द बिजनेस। और सप्लायर को अकाउंटेंसी में हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर जिनसे हमने सामान क्रेडिट पे लिया है, ये 3 लोग आपका। अब मैं कुछ कहानी सुना रहा हूं, कुछ कहानी सुना रहा हूं। कहता है यहां पे कि आपका एक्स जो है, एक्स एक्स ने एक्स रिटर्न्ड, एक्स ने क्या किया? सॉरी माफ कीजिए, हमने यहां पे कहता है कि एक्स जो आपका है, लिखे यहां पे, मैं अपनी बात करता हूं, ये तो मेरे क्रिएटर है ना। फॉर्म, फॉर्म मतलब क्या जी? मैं फॉर्म पेड, मैंने क्या किया? पे कर दिया रुपीज 80,000 टू एक्स। हमने एक्स को क्या किया? 80,000 पे कर दिया बच्चे, 80,000 रुपए के। लो जी आपको 7 लाख का जो सामान परचेज किया उनमें से 80,000 हमने पे कर दिया। कहता है कि फिर कहता है कि फर्म पेड रुपीज 250,000 टू वाई। हमने वाई को भी पे किया 250 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड। सर डिस्काउंट रिसीव किया, समझा नहीं, आपने समझाया नहीं था, क्या समझाऊं? अरे इसमें क्या समझाना, जरा मुझे बताओ, क्या मैं इंसान नहीं हूं क्या? मुझे डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर मैं किसी से गुड्स परचेज करता हूं और मैं अगर जल्दी उसको पेमेंट कर दूं, टाइमली पेमेंट कर दूं, तो क्या मुझे डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना चाहिए। तो मेरे बच्चे जो डिस्काउंट मुझे मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, मैं भी तो डिस्काउंट ले सकता हूं। और हाँ, ये डिस्काउंट कौन सा लूंगा? कैश डिस्काउंट, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे अकाउंटेंसी में ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग नहीं होता मेरे बच्चे, कैश डिस्काउंट होता है। क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया कि हमने आपसे 7 लैक्स का परचेज किया है, तो जो भी हमें बार्गेनिंग के टाइम पे डिस्काउंट मिला होगा, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, वो माइनस करके हम रिकॉर्ड करते हैं। आप ये बात जानते हैं, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको यहाँ पे। आज हमें क्या करना है कि वो 7 लाख रुपए का जो हमने यहाँ पे आपका परचेज किया था क्रेडिटर से, कहता कि उनको हमने, इनको हमने क्या किया जी? 80,000 पे कर दिया। वाई को हमने 2.5 लाख का पेमेंट किया और हमने डिस्काउंट लिया 10,000 का। फिर कहता है कि आगे लिखना, फर्म पेड रुपीज 5 लैक्स का पेमेंट किया टू किसको जी? जेड को। कहता है कि एंड रिसीव्ड डिस्काउंट
ऑफ रुपीज 30,000 रिसीव डिस्काउंट ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम एजेड। हमने एजेड से क्या किया, 30,000 का डिस्काउंट भी रिसीव किया मेरे बच्चे, एजेड से हमने 30,000 का डिस्काउंट भी रिसीव किया। यही नहीं, कहता है कि फर्म ने रिटर्न कर दिया, रिटर्न्ड फर्म रिटर्न्ड गुड्स, कहता है कि कॉस्टिंग रुपीज 25,000 टू एजेड। लो, एजेड ने जो गुड्स मुझे सप्लाई किया था, कुछ खराब था, हमने उसको वापस भी कर दिया। कहता कि कैलकुलेट, आप यहां पे कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें सर? कहता कि नंबर ए, एक तो कहता जरा बताओ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम आपका एक्स, कब? एट द एंड में आखिर एक से कितना ड्यू है। फिर कहता जरा बताओ, अमाउंट ड्यू, लिखे यहां पे अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाई एट द एंड में वाई से कितना ड्यू आपका है। और सी कहता है कि जरा बता दो, जब सारी बातें लिख ही रहे हो तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम जेड एट द एंड में जरा बताओ जेड से कितना ड्यू है। और एक सवाल वो पूछ रहा और कि जरा बताओ, टोटल जो आपके क्रेडिटर्स हैं, टोटल क्रेडिटर्स जो आपके हैं, कब जी? एट द एंड साल के एंड में, वर्ष के एंड में, जरा बताओ क्रेडिटर्स जो आपके हैं तीनों, उनसे और कितना ड्यू है। ये सवाल हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलता है जरा बताओ क्या करेंगे। देखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको कराना चाहिए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पहले आपके हाथ चलने शुरू हो गए हैं, आपने इसका सोल्यूशन रेडी करना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, रुक जाओ, अभी नहीं करो, अभी आप बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, थोड़ा सा शांति रखो और पहले आप यहाँ पे मेरे साथ बढ़ो जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद जब बोलूंगा तब आपको आगे आगे बढ़ना है। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन। पहले नंबर वन क्या पूछ रहा आपसे जी? सर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स, जरा बताओ अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स। ओ, गलत वर्ड लिखा, माफ कीजिए। हमें एक्स को देना है ना बच्चे, अरे एक्स हमारा क्रेडिटर है, देना है, तो फ्रॉम कैसे हो जाएगा? अमाउंट ड्यू टू एक्स होगा मेरे बच्चे, माफ कर दो इस गलती को। अरे जब हमने एक्स से परचेज किया है, जब गुड्स मैंने एक्स से परचेज किया तो मुझे उसको पैसा पे करना होगा ना। सर हाँ, पैसा पे करना होगा। और हम तो सर यही सोच रहे थे कि आप गलती कैसे लिख रहे हो, तो कोई बात नहीं, लिखो अमाउंट ड्यू टू एक्स एट द एंड, अमाउंट ड्यू टू वाई एट द एंड, और अमाउंट ड्यू टू जेड एट द एंड आपका तीनों। फिर क्रेडिटर्स आपके एंड में कितने हैं, तो आज ना अमाउंट ड्यू टू, यहां पे हमने क्या लिखा आपका, कौन है? एक्स। एक्स का कितना अमाउंट बन रहा है एट द एंड, एंड मतलब साल के एंड में, सब कुछ हो जाने के बाद एक्स से कितना, देखो ना। आप बताओ एक्स से हमने परचेज कितने का किया था? जो हमने परचेज किया था गुड्स का, परचेज ऑफ गुड्स का जो परचेज किया था किससे जी? फ्रॉम एक्स। आप बताओ एक्स से हमने परचेज कितने का किया था? सर 7 लाख का अमाउंट आपका, 7 लाख का अमाउंट, तो 7 लाख रुपए का मेरे बच्चे हमने परचेज किया था। जरा यहां देखो जो 7 लाख का परचेज किया था उसमें से हमने, फर्म ने क्या किया, एक्स को 80,000 पे कर दिया। मुझे बताओ अगर मैं आपसे, आप मान लो एक्स से और मैं आपसे 7 लाख का परचेज करता हूं और 7 लाख रुपए में मैं आपको 80,000 का पेमेंट कर दिया, तो मेरे बच्चे जो अमाउंट आपको पे कर दिया वो तो अब इसमें माइनस हो जाएगा ना। अमाउंट पेड जो कर दिया मैंने टू एक्स, कितना पे कर दिया? 80,000 जो पे कर दिया, आप उसको माइनस करो और अब जरा बताओ कितना बच गया? 6,20,000 रुपए बच गया, जो मुझे क्या करना है जी? एक्स से एंड में लेना है। गलत तो नहीं बोला? अरे 7 लाख रुपए का जो मैंने परचेज किया था उसमें हमने आपका 80,000 आपको पे कर दिया, तो 620 तो बच गया एट द एंड, साल के एंड में मुझे और आपको इतना और पे करना है। नंबर टू कहता कि अमाउंट ड्यू टू वाई, कहता जरा बताओ अमाउंट जो ड्यू है जो मतलब पे करना है वाई को एट द एंड, साल के एंड में जरा बताओ वाई को आपने कितना पे करना है। तो मेरे बच्चे देखो मैं कैसे निकालूंगा अमाउंट ड्यू टू वाई, यहां पे जरा बताओ वाई से परचेज कितने का हुआ था, जरा बताइए। परचेज जो हमने किया था, परचेज ऑफ गुड्स जो हमने परचेज किया था फ्रॉम वाई, आप बताओ वाई से हमने कितने का परचेज किया था? 4 लाख का अमाउंट,
चार लाख का मेरे बच्चे गुड्स परचेज किया था फ्रॉम वाई, गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सर, नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने वाई से 4 लाख का परचेज किया था, ठीक है। मुझे ये बताओ कि वाई से अगर 4 लाख का परचेज किया, वाई से 4 लाख का परचेज किया, तो अब देखो साल में हुआ क्या, मैंने एक तो वाई को 2.5 लाख पे कर दिया, तो 250 लाख व्हिच आई पेड टू वाई, ये आपको डिडक्ट होगा। लीजिए, आपने पेड टू वाई, इसमें से जो हमने पे कर दिया वाई को, कितना पे कर दिया, 250 माइनस कर दो। अच्छा बताओ वाई को हमने क्या पे किया होगा, सर कैश पे किया होगा, तो और साफ लिख दो यहाँ पे, कह देना कैश पेड टू वाई, कैश ही तो पे करूंगा। अरे वाई जिससे परचेज किया था गुड्स उसको पेमेंट करना, तो पैसे ही तो दूंगा, तो मैंने क्या किया 250 पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद जरा चेक करो और क्या किया, तो सर फर्म ने जो वाई को 250 पे किया, डिस्काउंट रिसीव किया सर 10,000 का, सर डिस्काउंट रिसीव किया। तो आप एक काम करना, जरा बताओ 250 पे कर दिया और वाई से जो मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव, वो हमें कितने का मिल गया जी आपका यहाँ पे 10,000 का। तो जरा सोचो ना, जरा सोचो ना, अरे जरा सोचो तो जरा, आप वाई हो, आप वाई हो और आपने क्या किया कि 4 लाख का गुड्स मैंने आपसे परचेज किया, आप वाई हो और मैंने 4 लाख का आपसे परचेज किया था, मेरे बच्चे उस 4 लाख में से 2,50,000 मैं आपको पे कर चुका हूं, 250 का अमाउंट मैं पे कर चुका हूं, और कहता है कि 10,000 जो है आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो एक तरीके से 4 में 260 कम हो गया, 2.5 लाख मैंने आपको दे दिया, 10,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया आपने, तो जरा बताओ 260 गया, कितना बच गया आपका सर 1,40,000। बच्चे ये 140 जो होगा ना, ये आपका होगा क्या जी, आपका अमाउंट ड्यू टू वाई एट द एंड, ये आपका एंड से हमें पैसा हमें उनको देना है, कॉमन सेंस है। जरा बताओ अगर मैं किसी से परचेज करता हूं यहाँ पे, कितने का जी 4 लाख का आपसे परचेज किया, इस 4 लाख में 250 मैंने आपको पे कर दिया, 10,000 आपने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो अभी और मैं आपको कितना पे करूंगा, 140 का अमाउंट आपका, ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आप आइए, थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे हमारा, थर्ड पॉइंट पे कहता है अगला आपका, ध्यान देंगे, अमाउंट ड्यू टू जेड, लिखे यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट ड्यू टू जेड कितना होगा एट द एंड, एट द एंड, एंड में आखिर ड्यू कितना है, तो देखो अमाउंट ड्यू जेड को एंड में कितना, जरा पता करो पहले कि परचेज जो आपने किया है, परचेज फ्रॉम जेड, आप बताओ जेड से आपने कितने का परचेज किया, सर 8 लाख का अमाउंट आपने 8 लाख का परचेज किया। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो आपने 8 लाख का गुड्स परचेज किया है जेड से, मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ कि जेड से जो 8 लाख का परचेज किया उसके बाद हुआ क्या, सर फर्म ने 5 लाख रुपए जेड को पे कर दिया, सर इसमें से पेड जो हमने कर दिया, फर्म ने जो क्या पे कर दिया, कैश पे करेगा, अरे कैश ही तो दूंगा, तो कैश पेड टू जेड जो मेरा सप्लायर था, मेरा क्रिएटर था, उसको इस 8 लाख में से एक तो 5 लाख का पेमेंट आपने कर दिया, अरे हाँ उससे हमें डिस्काउंट भी मिला, उसने कुछ पैसे डिस्काउंट यानी कि छोड़ दिए, तो जो देखो जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, डिस्काउंट जो रिसीव किया वो कितने का बता रहा आपका 30,000 का, वो भी माइनस कर दो, वो भी तो खर्च कम कर देगा। और हाँ, अरे हाँ, यहाँ पे फर्म ने क्या किया, जेड को 25,000 का वापस कर दिया, वापस कर दिया, मतलब जो 8 लाख का परचेज हुआ था उसमें से हमने वापस कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न जरा बताओ कितने का बता रहा हूं आपको सर 25,000 का, ये भी माइनस कर दो। और हाँ, अरे हाँ जरा सुनो, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न जरा बताओ, रिटर्न करने से ये आ रहा है या जा रहा है, सर जा रहा है, सर रिटर्न कर दिया ना आपने, वापस करने जा रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, इस क्लास से बाहर जा रहा है, हम आउटवर्ड कहेंगे, बिजनेस से बाहर जा रहा है। बच्चे लिख दो यहीं पे, ये नाम आपके दिमाग में बैठ जाए, रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। बताओ ना कितना आपको बता रहा है यहाँ पे सर 25,000, माइनस कर दो। अब जरा मुझे बताओ 8 लाख में से अगर मैं इनको माइनस करूं तो कितना निकल के आपका आया, सर 8 लाख में से 5 लाख का तो सर आपको कलेक्शन हो गया, उसमें से सर आपका 30,000 यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल गया, एंड 25 आपने रिटर्न कर दिया, उससे भी क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो सर 2,45,000 का क्रेडिटर जेड रह गया एंड में आपका, यानी कि एंड में मुझे और आपको इतना पेमेंट करना है 2,45,000। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर हाँ। अच्छा फोर्थ में कहता है, जरा बता दो यहाँ पे फोर्थ में कि आपका टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स आपके कितने हैं एट द एंड, एट द एंड,
यानी कि एंड में, साल के एंड में जरा बताओ क्रिएटर्स आपके पास कितने हैं। वो पूछ रहा है कि बताओ साल के एंड में आपके पास क्रिएटर्स कितने हैं। तो सुनना जरा, क्रिएटर्स एट द एंड की जब बात करोगे तो आप देखो एक से जितना पैसा एंड में लेना है, एक से तो क्रिएटर आपका है, सिक्स रोटी। क्रिएटर का मतलब क्या, सप्लायर, जिससे हमने गुड्स लिया था ऑन क्रेट। आप बताओ वाई से हमें कितना, वाई को हमें कितना देना है, 1,40,000। और जरा बताओ जेड को एंड में कितना देना है, सर 2,45,000। इस तीनों को ऐड कर दो मेरे बच्चे, वो हमारे क्रिएटर्स बन जाएंगे। तो चलो बताओ 245 प्लस 1,40,000 और जरा बताओ वो प्लस 6,20,000, ये तीनों मिलके कितना हो गया सर, 10,05,000 का अमाउंट। तो 10,05,000 जो हो गया बच्चे, ये हो गया आपका क्रिएटर्स एट द एंड। साल के एंड में जो आपके क्रिएटर्स हैं, दे आर इक्वल टू 10,05,000, यानी कि दिस इज द अमाउंट विच यू हैव टू पे टू द सप्लायर्स एट द एंड ऑफ ईयर। ये हमारी, हमें पे करना बच्चे, पे करना है, लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन, मतलब पे करना हमने, तो हमने क्या क्या यहाँ लायबिलिटी कहा। आई बात समझ में सर? हाँ सर, हाँ सर, ये तो बात समझ लिया। तो देखो मैंने ना आज जो मेरा मकसद था उसमें कई सारे चीज हो गए, मैं टिकमा करते चलूँ। परचेज और रिटर्न के बारे में बता दिया, सेल्स रिटर्न के बारे में बता दिया मैंने आपको। हाँ, मुझे कुछ और डेटर्स एंड जो आपके होते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको क्या निकल के आता है। और कुछ हम शब्द लेके चलते हैं, और कुछ शब्द जो हमें आपको मास्टरी करानी है। ये लीजिए मैं इसको मिटाता हूँ, लीजिए मैं इसको मिटाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आज तो बस, आज तो बस, आज हम रहेंगे और आप रहोगे, और दुनिया में किसी को रहने नहीं दूंगा। आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप इतने स्पेशल हो कि मैं क्या बताऊं। सारी बातें अभी अभी अकाउंट्स हमने शुरू किया था, और सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो फिर आप समझ लो कि आपके अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्हें तो सुपरमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो चड्डी पहन के घूमते रहते हैं आपका, वो पावर आपके अंदर आ चुका है, वो शक्ति आपके अंदर आ चुकी है, वो भी आपका सुपर पावर होते हैं, आप भी सुपर पावर है। क्रिश भी अपने आप को बोल सकते हो, क्रिश भी कह सकते हो, लेकिन क्रिश में ज्यादा मजा नहीं आएगा। वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन बहुत अच्छे होते हैं जो सिर्फ चड्डियां पहन के घूमते रहते हैं आपका, वो शक्ति आपके अंदर डाल लो। मैं आओ जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और देखो और क्या निकल के आता है। हाँ, मुझे एक डिस्कशन और आपसे करना है। लिखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 शायद होगा, 5 जो भी नंबर होगा, आप नंबर में कंफ्यूज नहीं होना, मैं भूल जाता हूँ। आप जरा आओ यहाँ पे, मैं क्या बता रहा हूँ। कहता है कि यहाँ पे कहता है, जरा लिखना कि गुड्स सोल्ड, लिखना गुड्स सोल्ड टू मोहन। हमने मोहन को गुड्स सेल किया बच्चे ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10 लैक्स। 10 लाख रुपए का हमने सेल किया था, 10 लैक्स का आपका, 10 लैक्स का सेल किया था गुड्स आपका। फिर कहता है आपका यहाँ पे, फिर कहता है कि हमने जो कैश रिसीव कर लिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। कहता है कि मोहन से जो हमने कैश रिसीव कर लिया, वो कहता है कि आपका रुपीज मान लो 7 लैक्स, 7 लाख रुपए हमने रिसीव कर लिया। 7 लैक्स हमने क्या क्या रिसीव कर लिया आपको यहाँ पे, या फिर रुको जरा, या चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जो होगा देख लेंगे। हमने सेल किया था मोहन को 10 लैक्स का, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन कहता है आपका 7 लैक्स आपका है, 7 लैक्स है। एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐड करूं क्या, आप ना यहाँ लिखो आपका, ये बातें मैं 2017 का कर रहा हूं। चलो आप मजा और देता हूं मैं आपको, 2017 में कहता है कि गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट आपका 10 लाख रुपए का हुआ, और कैश जो हमने रिसीव कर लिया मोहन से आपका 7 लैक्स। हाँ, मोहन ने हमें कुछ डिस्काउंट भी दिया है, कहता है कि डिस्काउंट जो अलाउड है, जो डिस्काउंट हमें अलाउड टू मोहन, जब मोहन ने हमें पैसा पे किया, हमसे कुछ डिस्काउंट मांग लिया, मान लो 20,000 का दे दिया हमने डिस्काउंट। बहुत हम अमीर हैं जी, कौन सी बड़ी बात है, हमने दे दिया डिस्काउंट, हमारी मर्जी है, फर्म की मर्जी है डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा, दे दिया हमने तो इतना दे दिया। और हाँ, कहता है कि जो सेल्स रिटर्न, कुछ उसने रिटर्न भी कर दिया था, सेल्स रिटर्न आपका जो बता रहा है फ्रॉम मोहन, मोहन से जो रिटर्न आपका हुआ, रिटर्न जो हुआ वो कहता है कि मान लो 50,000 का अमाउंट है, 50,000 का, 50,000, ठीक है ना। अब कहता है यहां पे, ये कहता है आपका
ये 2017 की कहानी थी बच्चे, 2017 की कहानी थी। कहता है कि ड्यूरिंग 2018, लो अगले साल, ड्यूरिंग 2018 मतलब अगले साल, 17 खत्म हो गया, अब अगले साल कहता है। कहता है कि ये जो मोहन है ना बच्चे, मोहन कहता है कि बिकेम, मोहन बिकेम इनसॉल्वेंट। ओहो लो, ये बदमाश इनसॉल्वेंट हो गया, डूब गया। याद करो इनसॉल्वेंट का मतलब क्या बताया था, इनसॉल्वेंट का मतलब है कि नाउ ही इज नॉट इनकैपेबल ऑफ पेइंग माय अमाउंट। अब वो हमारा डेब्ट नहीं पे कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, हम उनको इनसॉल्वेंट कहते हैं। तो मोहन बिकेम इनसॉल्वेंट, कहते हैं कि एंड ओनली 30% ऑफ द अमाउंट, कहता है कि कुड बी रिसीव्ड, हम उससे सिर्फ 30% ही अमाउंट का रिसीव कर पाए। तो कहता है कि 18 में मोहन इंसॉल्वेंट हो गया एंड ओनली 30% कहता है कि ऑफ द अमाउंट कुड बी रिसीव्ड आपका। सर क्या मतलब हुआ, अभी बताऊंगा, पर लिखो यहां पे कैलकुलेट, कैलकुलेट। सर क्या कैलकुलेट करना है, नंबर वन, एक तो जरा बताओ कि आपका मोहन, या ऐसे कह दो अमाउंट जो आपका ड्यू है, अमाउंट जो आपका ड्यू है फ्रॉम मोहन, मोहन से जो अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन, लिखिए यहां पे अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन, एट द एंड ऑफ 2017, मतलब बच्चे 2017 के एंड में आखिर अमाउंट मोहन से कितना ड्यू है ना, एंड ऑफ दिसंबर का, एंड ऑफ 2017 का मतलब होता है 31st December 2017। तो इस दिन पे कहता है जरा बताओ कि अमाउंट आपका ड्यू कितना है, और फिर कहता है नंबर टू में कि कैलकुलेट, क्या जी, ये तो लिख दिया था कैलकुलेट यहां पे, अमाउंट ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम किससे जी, किससे पैसा डूब गया, फ्रॉम किससे डूब गया, सर मोहन से। तो मैं दो बातें आपसे पूछ रहा हूं कि जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि आखिर मोहन डेटर्स हमारा एंड में कितना है, पहला सवाल आपका, और दूसरा सवाल कि आखिर उससे पैसा डूबा कितना। तो देखो ना मैं क्या करूंगा, मैं आपको समझाऊं यहां पे, आपको अच्छा लगेगा। लिखिए मेरे साथ सोल्यूशन। पहले तो मैं निकाल रहा हूं यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2017, जो पहला वर्ष था 2017, उसके एंड में आखिर अमाउंट ड्यू कितना है। देखो ना जरा बताओ क्वेश्चन में, आप जरा पढ़ के बताओ, सेल जो किया था मोहन को, वो हमने कितने का सेल किया था पूरे साल में, फिर 10 लैक्स, लिखो यहां पे 10 लैक्स का हमने मोहन को सेल किया था। मुझे बताओ इस 10 लैक्स में से हमें पैसा कितना मिल गया जो हमने मोहन से कैश रिसीव कर लिया, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, है ना, कलेक्शन जो आपका हुआ मोहन से, कलेक्शन कह दो या कैश रिसीव, कितना रिसीव किया जी, 7 लैक्स का अमाउंट। तो 10 लैक्स का मैंने सेल किया था मोहन को, 7 लैक्स मुझे मिल गए और हमने उनको 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, हमने उनको 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने दे दिया। मेरे बच्चे डिस्काउंट जब मैं अलाउ करूंगा तो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, हुआ ना, आप खुद सोचो, मुझे आपसे 5,000 रुपए ले रहे हैं, मैंने बोला कि डिस्काउंट दिया छोड़ो मत देना, तो एक्सपेंस हो गया मेरा, आपका एक्सपेंस हो गया। तो यहां पे कहता है कि जो डिस्काउंट अलाउड है वो कितना बता रहा है आपको यहां पे, 20,000 का अमाउंट आपका, ठीक है, ये भी कम हो गया। और हाँ कुछ सेल्स रिटर्न भी हो गया, मतलब मैंने मोहन ने मुझे वापस कर दिया। मेरे बच्चे हम इसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, जब भी बिजनेस में गुड्स वापस होके आएगा तो रिटर्न आउटवर्ड, जब बिजनेस से बाहर जाएगा तो हम उसे आउटवर्ड कहेंगे, इनवर्ड कहेंगे इसको, उसको कहेंगे आउटवर्ड। जरा बताओ कितना बता रहा है आपका, 50,000 का अमाउंट, लीजिए 50,000। तो मुझे बताओ 10 लाख रुपए मुझे लेने थे, इतना मैंने ले लिया, इतना डिस्काउंट दिया, इतना हमारा रिटर्न हो गया, तो बताओ और मुझे कितना लेना था मोहन से, सर 7,70,000 का अमाउंट हटा दो, सर 770 हटा दो तो 2,30,000।
ये 230 मेरे बच्चे हो गया आपका, यहाँ पे क्या नाम है इसका जी, मोहन। मोहन का जो, मोहन से जो मुझे पैसा लेना है, मोहन हमारा कौन है सर, डेटर है, हमें जिससे पैसा लेना होता है हम उसको डेटर कहते हैं। तो मोहन जो कि डेटर है वो रहा एट द एंड, एट द एंड कितना आपका हो गया 230 का अमाउंट आपका, 230। बात समझ में आ गई? तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, 230 का अमाउंट आपका। अब सवाल ये होता है, सवाल ये उठता है कि आपका ओनली 30 कहता है कि ड्यूरिंग 2018 में, लिखेंगे यहां पे पॉइंट नंबर टू, क्या निकालना है जी यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं आप, बैड डेट्स, कितना पैसा डूब गया, बैड डेट्स यानी कि कितना पैसा डूब गया फ्रॉम मोहन, मोहन से आखिर कितना पैसा डूब गया, मैं उस बात को यहां पता कर रहा हूं। तो देखो ना, जरा बताओ कि 2017 के एंड में मुझे और आपसे कितना लेना था, 230,000, यही लेना था ना बच्चे। अरे आप बोलते क्यों नहीं, आप जरा बताओ, 1,000,000 में इतने सारे तो मिल गए, तो 230 तो मुझे आपसे लेना था सर। हां सर हां, कहता कि जो 230 लेना था यानी कि जो अमाउंट जो ड्यू था फ्रॉम मोहन से जो ड्यू था जी, कब, ऑन 1st जनवरी 2018, 2017 खत्म हो गया, 2018 जो करंट ईयर अब चल रहा है बच्चे, इसमें कहता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट होने से सिर्फ 30% कहता है कि रिसीव हो पाया। तो देखो आप, देखो यहां पे जो अमाउंट ड्यू था कितना निकल के आया यहां पे, 230,000, इतना पैसा मुझे मोहन से लेना था। बताओ जरा, मोहन से जो पैसा मुझे मिल गया रिसीव्ड, वो कितना हो गया सर, वो हो गया आपका 230,000 का एंड 30%, 230 का 30%, इतना रिसीव हो गया। तो जरा बताओ, नॉट रिसीव्ड जो मैं पैसा रिसीव नहीं कर पाया वो 230,000 का कितना परसेंट सर, 70%। कॉमन सेंस है, अगर 30% मुझे मिल गया तो 70% नहीं मिला, तो आप बताओ 230,000 का अगर मैं 30% निकालता हूं तो अमाउंट कितना बन गया आपका यहां पे सर, 69,000। तो बताओ मुझे मिला कितना नहीं सर, 230,000 का आपका 70% नहीं मिला, यानी कि 1,61,000। और आप जानते हैं कि जो पैसा मुझे नहीं मिल पाया इसी को हम कहते हैं बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया, बैड डेट्स यानी कि जो पैसा डूब गया मेरे बच्चों। अमाउंट कितना निकल के आ गया आपका, 161 का अमाउंट। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई? आप इतना ज्यादा मत सोचो, नहीं सोचना इतना ज्यादा। अरे मैं तो सिंपल शब्दों को आपके दिमाग में बता रहा हूं कि जो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था एक एक वर्ड का, उसका न्यूमेरिकली उसका क्या मतलब होता है। आज की क्लास में तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं रहा, ना कोई मैंने नए वर्ड आपके लिए यूज किए हैं, ना कुछ कर रहा हूं, बस वही भाषा, वही चीजें जो थ्योरेटिकली हमने सीखा था, उन्हीं बातों को आज मैं आपको न्यूमेरिकली समझा रहा हूं। आई बात समझ में सर? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। और बताओ सर, जब यही बात उठी है और आप आज ऐसे समय गुजार दोगे सर, तो फिर आप कुछ और कराओ ना सर, और कुछ कराओ। चलो फिर मैं और आगे लेके चलता हूँ, कुछ और अच्छी अच्छी बातें आपको मैं दिखाता हूँ। लीजिए मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। बैडेट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना, बैडेट्स का मतलब क्या होता है, पैसा डूब जाना। और हाँ, ये क्यों डूब गया, क्योंकि वो आदमी पैसा लेकर भाग गया, इनसॉल्वेंट हो गया, चाहे कोई भी रीजन होता है उसको बोलते हैं बैडेट्स। एक काम करते हैं आप ना, आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा नोट लिख दो, लिखो यहां पे नोट आपका, ताकि ये रिविजन में आपको हेल्प करेगा। पिछली क्लास से जुड़ा हुआ, कोई नई बात नहीं है। देखो रिटर्न जो होता है, रिटर्न का मतलब क्या, रिटर्न ऑफ गुड्स मेरे बच्चे, दो तरीके का आपका हुआ, दो रिटर्न हो रहा है। एक आपका हो रहा है परचेज रिटर्न, एक होता है आपका परचेज रिटर्न, और एक आपका होता है सेल्स रिटर्न। अब देखो, एक परचेज रिटर्न, दूसरा सेल्स रिटर्न। मुझे बताओ सिंपल शब्दों में, अगर परचेज रिटर्न होगा मतलब जो मैंने परचेज किया था वो मैंने रिटर्न कर दिया, तो बताओ क्लास में, मतलब शॉप में गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड।
इसको हम क्या बोलेंगे रिटर्न। सर ये बार बार क्यों समझा रहे हो, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चे मैंने देखा हुआ है जो बच्चे सीए सीएम सीएस भी करते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होने देना चाहता, इसलिए बार बार कह रहा हूं। अच्छा सर देखो सेल्स रिटर्न जो हमने सेल किया था, जो सेल किया था वो वापस आ रहा है, तो सेल जो किया था वापस यानी कि इनवर्ड हो रहा ना, इनवर्ड बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ये आप लिख दो ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे, ठीक है ना। अच्छा एक नोट और लिखिए मेरे साथ यहां पे, नोट नंबर टू। नोट नंबर टू देखो, अगर एक है आपका परचेज, एक है आपका परचेज, परचेज जो आपका होता है दो तरीके का होता है, कैश पे और दूसरा मेरे बच्चे क्रेडिट पे। और हाँ मैं परचेज का मतलब किसी की बात कर रहा हूं, ऑफ गुड्स का है ना, गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर परचेज करूंगा कैश पे या क्रेडिट पे, हमने कहा कि आप जब कैश पे परचेज करोगे इसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, या चलो कर ही लो ना, कर ही लो ना। आप जरा बताओ, लिख दो यहां पर भी कि जरा बताओ कैश पे, कैश बेसिस पे अगर हमने गुड्स परचेज किया होगा या क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया होगा। अगर जरा बताओ कैश पे गुड्स परचेज करूंगा मतलब कैश बेसिस पे, ये मार्कर मैंने परचेज किया था मेरे बच्चे, ये मार्कर मैंने परचेज किया था कैश पे, तो मार्कर मेरे पास आए होंगे, बताओ क्या मेरे पास से चले गए होंगे, कैश चला गया होगा, कैश चला जाएगा। अरे अगर मार्कर मैंने परचेज किया कैश पे तो क्या होगा, मार्कर मैंने परचेज किया और इसमें क्या क्या होगा जी, हमने कैश पे किया होगा, पे किया होगा बच्चे, पैसे गए होंगे। परचेज करूंगा तो पैसे नहीं पे करते, आप दुकान में जाते हो तो सामान परचेज करते हो, चॉकलेट खाते हो टॉफी खाते हो, तो जरा बताओ जब चॉकलेट टॉफी खाते हो तो पैसा पे करते हो ना, ऐसा तो नहीं होता कि दुकानदार आपको चॉकलेट भी दे देता और पैसा भी दे देता कि हाँ जाओ जी आप पीएम के बेटे हो या फिर आप प्रेसिडेंट हमारे कंट्री को तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता, नहीं सर नहीं। तो फिर हमने क्या किया होगा, जब परचेज किया होगा कैश पे तो हमने कैश पे किया होगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करते हैं तो ये जिनसे गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर्स, सप्लायर्स, इनसे हम परचेज करते हैं। और इस सप्लायर को हम अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं सर, क्रेडिटर, क्रेडिटर। हाँ मैंने क्रेडिटर को एक और नाम दे दिया था, बिल्स पेबल, जब इनसे पेपर आप साइन करा लेते हो तो, है ना बच्चे। और जब क्रेडिट पे सामान लोगे ना तो ये दोनों हमारे क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटी, ये हमारा कर्ज है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली कर्ज, ऑब्लिगेशन, कोई कर्ज आ गया जो हमें पे करना, तो हम उसको लाइबिलिटी कहते हैं, तो ये लाइबिलिटी बन जाएगा। इसी के साथ साथ लिख लो, जब बात उठी ही है तो हम पूरी बात क्यों ना खत्म करके आगे बढ़ें। नोट नंबर थ्री लिखिए यहां पे, नोट नंबर थ्री, अगर हम सेल करते हैं, सेल किस चीज का जी, ऑफ गुड्स का, अगर मैं गुड्स को बेचता हूं तो उस केस में इसका जो सेल होगा वो भी या तो कैश बेसिस पे होगा, मतलब कैश पे आपने गुड्स बेच दिया होगा, या बेचा होगा आपने क्रेडिट बेसिस पे, है ना बच्चे। सर हाँ, अच्छा बताओ अगर मैं कैश पे गुड्स बेचूंगा, जरा बताओ कैश पे अगर गुड्स बेचा, सेल किया, अब परचेज नहीं किया, हमने सेल कर दिया, अगर मैं सेल करूंगा कैश बेसिस पे तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे, पैसा आएगा, पैसा पैसा आएगा ना बच्चे यहाँ पे। सर हाँ सर हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा जी, कैश को रिसीव करूंगा, यहां पे कैश को रिसीव करूंगा। अच्छा बताओ अगर सेल किया हमने क्रेडिट पे, अगर सेल किया क्रेडिट पे तो जरा बताओ कि हम ये सेल किसको करेंगे, सर सेल करते हैं टू कस्टमर्स, कस्टमर्स। और जरा बताओ जो कस्टमर जिनको सेल किया क्रेडिट पे वो हमारे क्या बोले जाते हैं अकाउंट्स में, सर डेटर्स बोले जाते हैं। डेटर्स का एक और भी नाम दिया था जी, पेपर अगर साइन करा ले तो बिल्स रिसीवेबल। और ये क्योंकि हमें इनसे पैसा लेना है, लेना है मेरे बच्चे, और ये हमारे एसेट्स कहे जाएंगे, क्योंकि जिनसे भी पैसा आपने लेना है ये अभी आने वाले समय में आपको बेनिफिट यानी कि पैसा देंगे, और जो भी आगे आने वाले वर्षों में बेनिफिट या पैसा आपको देता हम उसको एसेट्स बोलते हैं। तो ये हमारा एसेट्स आपका हो जाएगा, आप प्लीज इसकी कॉपी कर ले। हो गया सर, हो गया सर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था हमें दिमाग में कि पता नहीं कब क्या, बट ठीक है सर, इसके बाद तो हमारी क्लियरिटी आ गई कि आप जो वर्ड जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ वो आपने समझा दिया, हमें बहुत अच्छा लगा सर, हम खुश हुए सर, हम खुश हुए आपकी बातों पे, हम खुश हुए। ठीक है बच्चे, मैं यही चाहता था कि आप खुश हो जाएं, और कुछ खास नहीं, चलो ये भी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, ये भी बता दिया। अब मैं कुछ और बातें आपको लेकर आना चाहता हूँ, कुछ और बातें आप लो, मैं इसको मिटा दूँ जरा यहाँ पे, ये हो गया, ये छोड़ दो यहाँ, रहने दो, क्या जाता है,
कितने एग्जाम्पल हो गए थे, फिर से भूल गया, शायद 5 हो गए थे, जो भी हो जाए बच्चे कोई बात नहीं, आप उसके आगे एग्जाम्पल नंबर लिखेंगे आप यहां पे, अगला एग्जाम्पल नंबर कहता है यहां पे, अगला एग्जाम्पल कहता है कि आपका COC नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस है ना बच्चे, ये जिसमें हम और आप जुड़े हुए हैं। कहता है कि COC यानी कि मान लो मैंने क्या किया, कहता कि परचेस्ड, लिखिए यहां पे परचेस्ड गुड्स फॉर रुपीज 5 लैक्स ऑन कैश बेसिस, हमने कैश पे गुड्स परचेज किया है यहां पे 5 लाख का। फिर कहता है कि इसी के आगे हमने परचेज किया है गुड्स फॉर रुपीज 3 लैक्स ऑन क्रेडिट बेसिस पे हमने गुड्स परचेज किया है जी 3 लाख का। किससे परचेज किया होगा? फ्रॉम सप्लायर्स। आप या तो सप्लायर्स कह दो या कह दो क्रिएटर, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सप्लायर को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटर यहां पे बोलते हैं। फिर कहता है कि आपका परचेस्ड यहां कहता है कि हमने मशीन परचेज किया है फॉर रुपीज 2 लैक्स, 2 लाख रुपए का हमने मशीन परचेज किया है जी। कहता है आपका फॉर कैश, हमने कैश पे 2 लाख का परचेज किया। फिर कहता है कि हमने परचेज किया है और भी, कहता है कि फर्नीचर साथ साथ लिखेंगे आप यहां पे फर्नीचर फॉर रुपीज 1,50,000। कहता है कि आपका ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे परचेज किया फर्नीचर आपका, यहां पे आपका परचेज किया जी क्रेडिट पे हमने 150 का। फिर लिखो यहां पे कहता कि आपका पेड रेंट रुपीज आपका 70,000, हमने 70,000 रेंट पे किया है। कहता कि पेड सैलरी, हमने सैलरी भी पे किया है, कहता कि 20,000। कहता कि हमने पेड कमीशन, हमने कमीशन भी पे किया है, हमने कमीशन भी पे किया बच्चे आपका रुपीज, कहता है कि 50,000। इतनी सारी बातें बोलता है कि कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस। बोलता जरा बताओ कि आपका टोटल यहां पे एक्सपेंस कितना हुआ। आप ध्यान सुनना, मैं एक वर्ड आपको यहां पे अंडरलाइन करा रहा हूं बच्चे, हमने आपसे एक्सपेंस पूछा है, लो ये भी तो ब्लैक ही है, हमने आपसे पूछा जरा बताओ टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, हमने टोटल आपसे एक्सपेंस पूछा है। और आप इस बात को जानते हैं कि एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो हमने कर दिए या फिर करने हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ये नहीं कहना कि मैंने नहीं बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद करो, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस कहा था, और कहा था एक्सपेंस का मतलब होता है कि जिनका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया, चाहे पैसा पे हुआ चाहे पैसा पे नहीं हुआ। मेरे बच्चे या तो अमाउंट पेड और पेबल, याद कीजिए मैंने लिखाया था, मैंने पहली क्लास में जो गलतियां की थी जानबूझ के उसको दूसरी क्लास में सुधारा था, और हमने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट पेड और पेबल फॉर द सर्विसेज द बेनिफिट ऑफ विच विल टेकन इन द करंट ईयर, जिस सर्विस के बदले में जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर में लेंगे, या तो उसके लिए पैसा पे कर दिया या पे करना है, दोनों हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो मुझे तो पहले यह ध्यान रखना है कि जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया, जरा बताओ हमने गुड्स परचेज किया। आप बताओ ये जो गुड्स परचेज किया इसका बेनिफिट कब लोगे, इसको कब यूज करोगे, बोलो जो गुड्स आपने परचेज किया इसका बेनिफिट कब लोगे? सर करंट ईयर में लेंगे। अरे कभी सुना है कोई दुकानदार जो गुड्स को परचेज करता है और दुकान में रख देता है, बोलता है कि इस साल नहीं बेचूंगा अगले साल बेचूंगा, कभी ऐसा सुना है क्या आपने? नहीं सर नहीं, गुड्स जो परचेज किया उसका काम होता है हम इस साल परचेज किए इस साल बेचेंगे। सर नहीं बिका तो वो बात की बात है, नहीं बिका तो फिलहाल बात कर रहे हैं कि ये मानो कि जितना परचेज किया सारा इस बार बिक जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर मैं टोटल एक्सपेंस की बात करें, लिखो यहां पे सॉल्यूशन में टोटल एक्सपेंस, कि हमारा टोटल एक्सपेंस लिखो यहां पे फॉर करंट ईयर
करंट ईयर का मतलब जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल का एक्सपेंस कितना हुआ। तो मेरे बच्चे एक तो जो परचेज किया आपने कैश पे, आपका कैश पे जो परचेज हुआ, कैश परचेज ऑफ गुड्स, ये भी एक्सपेंस कहा जाएगा, ये भी एक्सपेंस कहा जाएगा। कितना अमाउंट हो गया? 5 लाख का अमाउंट आपका, 5 लाख का अमाउंट। अरे जो गुड्स आपने परचेज किया क्रेडिट पे, क्रेडिट पे, ये भी तो एक्सपेंस हमारा है। अरे जो गुड्स की बात कर रहा हूं, गुड्स जो परचेज किया कब यूज करोगे? सर इस साल यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है, जो आपने क्रेडिट परचेज किया, जो आपने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उसको भी क्या करेंगे हम यहां पे ऐड करेंगे। कितना अमाउंट आपका हो गया? 3 लाख का अमाउंट आपका, 3 लाख का अमाउंट। तो मेरे बच्चे लेकिन सर रुको ना सर, आपको कुछ हो गया है? क्यों बताओ, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? अरे अरे सर, आपने क्रेडिट पे जो गुड्स परचेज किया आपने अभी कहां पेमेंट किया सर? वो तो कहता है क्रेडिट पे आपका है। मेरे बच्चे इसका मतलब है कि आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तभी आप ऐसे सवाल रेज कर रहे हो। मैंने कहा था, आप शायद भूल गए, मैंने कहा था कि गुड्स को परचेज करो चाहे कैश पे, सॉरी मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बताया था। एक बार चेक करो डेफिनेशन क्या लिखाया था, अमाउंट पेड और पेबल, चाहे मैं पे कर चुका हूं चाहे पे करना है फर्क नहीं पड़ता। अरे पे कर चुका हूं चाहे पे करना है फर्क नहीं पड़ता, अगर उस सामान का बेनिफिट मैं करंट ईयर में लूंगा तो उसको मैं एक्सपेंस कहूंगा। तो यानी कि मैं यहां पे एक्सपेंस में, ये भी तो हमारा एक्सपेंस हुआ, हमने जो गुड्स परचेज किया होगा इस साल ही यूज करने के लिए। लेकिन सर बच गया तो कहा ना बाद में देखेंगे उसका क्या होगा, अभी ये मानो कि जितना परचेज किया सबका बेनिफिट इस बार लोगे, तो हमने इसको ऐड किया। अच्छा अब यहां देखो आपका, हमने मशीन परचेज किया, बताओ मशीन जो परचेज किया, मशीन जो परचेज किया क्या इसका बेनिफिट आप सिर्फ करंट ईयर में लोगे क्या? नहीं सर नहीं, इसका बेनिफिट सर हमें आगे भी तो मिलेगा, आगे भी मिलेगा। मेरे बच्चे ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, जो कोई भी बेनिफिट हमें फ्यूचर में देगा उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो मेरे बच्चे मशीन को मैं यहां पे अपना एक्सपेंस नहीं मानूंगा, मशीन हमारा एक्सपेंस यहां पे नहीं है। फर्नीचर जो परचेज किया वो भी हमारा एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर जो परचेज किया वो भी हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि कई वर्षों तक उसका बेनिफिट देते हैं। जिस बेड पे आप सोते हो, जिस फर्नीचर पे आप बैठते हो, जरा बताओ क्या वो फर्नीचर, क्या वो बेड आप एक ही दिन में खत्म कर देते हो क्या? आज बैठा, आज सोया, आज तोड़ दूंगा, कल नया लूंगा, फिर कल नया, ऐसा तो नहीं होता बच्चे। हम कई वर्षों तक यूज करते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो मेरे घर में एक पलंग हुआ करता था, बेड, पलंग बोलते हैं हम लोग उसको, बेड हुआ करता था, जिसको मेरे दादाजी बताया करते थे कि ये 40 साल से चल रहा है, 40 साल 45 साल से चला करता था। ये फिक्सेट्स हमारे होते हैं। एसेट्स में भी अगर बात करें तो फिक्सेट्स है जिनका बेनिफिट एक साल से भी ज्यादा समय में मिलेगा आपका। तो खैर मैं अभी एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, इनको एक्सपेंस नहीं बोलूंगा। हाँ जो रेंट हमने पे किया वो हमारा एक्सपेंस है। रेंट हमने इस साल का रेंट अगर पे किया तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। हमने सैलरी जो इंप्लॉई से काम लिया और काम लेने के बाद जो हमने उसको पेमेंट किया वो हमारा एक्सपेंस कहा जाएगा। ये कमीशन भी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस कहा जाएगा। तो ये रेंट, सैलरी, कमीशन जो है ये सारे हमारे क्या होंगे जी, एक्सपेंस कहे जाएंगे। जरा बताओ आपका ये टोटल कितना हो गया? सर ये आपका 9,40,000 का अमाउंट आपका हो गया, 940, है ना बच्चे? तो 940 आपका टोटल एक्सपेंस हो गया करंट ईयर का। आप ध्यान देना, ज्यादा आप दिमाग जोर ना लगाओ, एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया है, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में, हम उसे एक्सपेंस कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सपेंस का मतलब क्या, जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में लेंगे। अच्छा चलो, जब बात उठी ही एक्सपेंस की है, बात उठी ही अगर एक्सपेंस की, तो थोड़ा सा मैं और डिटेल आपको समझाता हूं एक्सपेंस के बारे में। आप प्लीज इसकी कॉपी कर लो। अब मैं इसको यहां पे मिटाऊंगा, अब मैं इसको यहां पे मिटाऊंगा और एक्सपेंस को लेकर बहुत दूर तक आपको जाऊंगा। आप बस दिमाग शांत रखो। अगर आज सुबह से शाम तक घर में पिटाई खाए हो मम्मी पापा भाई बहन से, या फिर डांट भी खाए हो, तो सब भूल जाओ, सारे गम भूल जाओ कुछ समय के लिए, सारे गम, बस मैं हूं और आप हो। एक बार मम्मी पापा आएंगे, अगर मान लो आप पिटाई खाए, या पता पिटाई खाने, कॉमर्स के बच्चे खासकर जो हम लोग होते हैं पिटाई खाते हैं, मम्मी पापा समझते हैं कि यार ये तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो बस सिर्फ अपना 11-12 करेगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ही है। अरे हमारे अंदर शक्तियां हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हमें तो सीए बनना है, हमें सीएमए बनना है, हमें सीएस बनना है, हमें एमबीए करना है, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है।
अरे 11th 12th में थोड़े ही कुछ रखा हुआ है, ये तो पढ़ना ही था, सभी पढ़ते हैं। मजा तब आएगा जब हम थोड़े बड़े बन जाएंगे। पता सीए बनने के बाद, सीएमए सीएस बनने के बाद कितने बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर में। जो टॉप पोजीशन होता है, टॉप पोजीशन जहां पे बड़े बड़े लोग काम करते हैं, वहां पे सिर्फ सीए सीएमए सीएस एमबीए होते हैं। ये चार डिग्री जो मैंने बताया, सीए सीएमए सीएस एमबीए, हमें इनके तरफ आगे दौड़ लगाना ही पड़ेगा। अगर सचमुच में मन करता है कि यार कुछ मुझे पाना है, मन करता है कि मैं भी दुनिया से आगे निकलूं, लोग मुझे देखें और कहें कि हाँ देखो ये ऐसे जा रहा है, ये वो आदमी है, तो आपको आगे बढ़ना होगा। डिग्री अपने साथ जोड़नी ही पड़ेगी। अगर डिग्री आपके साथ नहीं जुड़ी, आपकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चे, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके नाम के साथ सीए सीएमए सीएस या बीकॉम जुड़ गया तो आपको नहीं पता आप कहां जाओगे, आपको नहीं पता इस नाम के जुड़ने के बाद आप कहां जाते हो। और अगर इस आपके नाम के साथ सीए सीएमए सीएस या एमबीए इनमें से कोई भी एक नाम अगर नहीं जुड़ा तो आपको नहीं पता आप कहां पे जाओगे, ये भी नहीं पता आपको। इसलिए कॉमर्स में आने का मतलब सिर्फ 11 12 क्लास पास करना नहीं है, कॉमर्स में आने का मतलब सिर्फ आपको अपने अंदर में उस आग को भरना है, जिस आग को भरने के बाद आप उस वहां तक जाने की बात करते हो, सीए सीएमए सीएस एमबीए, हमें यहां पहुंचना है यही। और हाँ एमबीए कहीं से, ये नहीं कि कहीं से कर लें, आईएम पढ़ा हुआ, आईएम आपका बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़े हुए वहां से करेंगे तब जाके वैल्यू क्रिएट होगी। करोड़ों रुपए मिलते हैं पैकेज में, करोड़ों रुपए, अगर ये डिग्री में से कोई भी डिग्री आपके पास आ गया तो। क्या समझते हो, लाइफ पूरे खानदान को आप चेंज कर दोगे, पूरे खानदान को। लेकिन बढ़ो तो कम से कम एक बार, देखो तो। कई सारे बच्चे डरते कि यार ये तो बहुत टफ डिग्री है, ये नहीं होगा। कुछ नहीं टफ होता, ये टफ का और सिंपल का जो फर्क है ये इसी 11 12 क्लास में आप क्लियर करोगे। अगर 11 12 क्लास का कॉन्सेप्ट आपका दी बेस्ट हो गया, अगर आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप किसी भी डिग्री को सिलेक्ट करो और उसमें आप आगे ना बढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे खराब होते हैं ना बच्चे, 11 12 क्लास में, और इसी का भुगतान हमें आगे भुगतना पड़ता है। तो आप वो काम नहीं करना, प्लीज आप नहीं करना। आपसे बात करने का मकसद इतना है कि आपके अंदर में एक सीरियसनेस है, एक अच्छा संस्कार है कि नहीं जी मुझे कुछ काम करना है बड़ा। एक एक जब तक सपना नहीं देखोगे बड़ा बनने का, तब तक बड़ा नहीं बन पाओगे। तो वो सपना आपके अंदर में होना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, आज का हम इतना ही कोटा रखेंगे, आप चिंता ना, पढ़ाने का नहीं, पढ़ाने का तो मुझे पढ़ाना है, लेकिन बोलने का कोटा इतना रखेंगे, क्योंकि ये बोलना, बस मेरा बोलना मत समझना, ये आपके लाइफ को आगे तक लेके जा सकता है अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया तो। अगर आप बाकी बच्चे जैसे होंगे कि हाँ सर तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, चलो ना छोड़ो हम जाके आज मस्ती करेंगे, तो फिर जिंदगी नहीं चलने वाली। सोचो माँ बाप कितने परेशान होते हैं आपके लिए, कितना एफर्ट डाल के आपको यहां तक आगे बढ़ाया उन्होंने, थोड़ा सा तो उसके बारे में सोचे हम लोग, थोड़ा सा। ठीक है सर, हम आपकी बात को ध्यान में रखेंगे सर, सच्ची में। आओ जरा मैं इसके आगे अब बढ़ता हूं, एग्जाम्पल नंबर सेवेंथ। मैं पूछ रहा हूं कि जरा बताओ, यहां पे सुनना ध्यान से, मैं भी क्वेश्चन बना रहा हूं कि सैलरी पेबल पर मंथ ₹10,000, 10,000 रुपए पर मंथ क्या करना है जी, मुझे सैलरी पे करना है। ध्यान सुनना, ये कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को नहीं होता पता, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। हमने कहा कि मान लो सैलरी जो पेबल है पर मंथ आपका 10,000 रुपए, मतलब पर मंथ की सैलरी 10,000 रुपए। कहता है आपका यहां पे, कहता है यहां पे कि फर्म पेड, फर्म की अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे ना बच्चे, सब कुछ बात है, फर्म पेड सैलरी फॉर 12 months ड्यूरिंग 2018, 2018 में उसने 12 महीने सैलरी पे किया है। बोलता कि कैलकुलेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, साथ साथ लिखिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2018। कहता है जरा बताओ आपका सैलरी जो पे करना है पर मंथ आपका 10,000 रुपए, एक महीने कोई इंप्लॉय रहा होगा मेरे पास,
मेरे पास कोई इम्प्लॉई है, मान लो ये सारी बातें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मेरे फॉर्म का नाम क्या है, सीओसी। तो मान लो सीओसी ने क्या किया, सीओसी कहता है कि सैलरी पेबल पर मंथ आपका 10,000 रुपए, मतलब मेरे पास जो इम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनको पर मंथ मुझे सैलरी 10,000 का पे करना है। और हां, मैंने कहा कि मैंने पूरे 12 महीने का, आपको पता है ना कि एक साल में 12 महीने होते हैं, नहीं पता क्या, मैं काउंट करके बता दूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने, देखो ना, 3-3-3-3 12 महीने हो गए, नहीं पता था पहले से, नहीं पता था, ऐसे क्यों देख रहे हो। अरे सैलरी जो हमने 12 महीने का पे किया, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कहता कि आपने 12 महीने की सैलरी पे किया 10,000 रुपए के हिसाब से, बताओ एक्सपेंस कितना हुआ 2018 का, बताइए सॉल्यूशन में आपका एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ, बताओ एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ। सर 10,000 के हिसाब से, 10,000 के हिसाब से हमने 12 मंथ्स का सैलरी कितना पे किया, 1,20,000, 120। तो बताओ आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 120 आपका एक्सपेंस हुआ। आई बात समझ में? आप मुझे बताओ 120 का एक्सपेंस आपने क्यों कहा, 120 का एक्सपेंस क्यों कहा, क्या इसलिए क्या कि आपने पेमेंट किया है, क्या इसलिए कहा कि आपने पेमेंट किया है? नहीं सर, नहीं, पेमेंट करने से हमने एक्सपेंस नहीं कहा, हमने इसलिए एक्सपेंस कहा क्योंकि लिखो यहां पर बिकॉज फर्म has taken benefit of employees कर दो for rupees 1,20,000। मेरे बच्चे पेमेंट करना कभी एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि आप पहले भी जानते हैं कि पेमेंट यानी कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल, आपका दोनों में पेमेंट होता है। तो पेमेंट करना कभी एक्सपेंस नहीं होता, एक्सपेंस का मतलब होता है कि हमने बेनिफिट कितने का लिया है, एक वर्ष में जितने का हम बेनिफिट लेंगे उतना ही हमारा एक्सपेंस कहा जाएगा। अब देखो ना अगर पेमेंट करना ही एक्सपेंस होता तो मशीन जो हमने परचेज किया इसका भी तो पेमेंट कहा, पेमेंट इसका भी तो किया, बट वो तो हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमने एक्सपेंस उसको नहीं कहा, क्योंकि पेमेंट करना कभी एक्सपेंस नहीं होता, बेनिफिट लेना हमारा एक्सपेंस होता है। जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया वो हमारा एक्सपेंस है, जिसका बेनिफिट अभी आगे हमें मिलेगा, हम उसे एसेट्स कहते हैं, फ्यूचर में जो बेनिफिट देगा उसको एसेट्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद कीजिए। अब ऐसे ना देखो, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, अब मैं आपको चैप्टर के समुद्र के अंदर एंट्री करा रहा हूं। एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट लेना, जिस वैल्यू का बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया हम उसे एक्सपेंस कहेंगे। एक काम करना लिखो जरा यहां पे नोट, नोट लिखो और लिखना ब्रैकेट में ओनली फॉर मी, ये बात सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर मी लिखना, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज टेकन ड्यूरिंग करंट ईयर इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि जिस वैल्यू का आपने बेनिफिट ले लिया, जिस वैल्यू को आपने इंजॉय कर लिया है वो हमारा एक्सपेंस होता है। मेरे बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसा पे करना, पैसा पे नहीं करना, ये हमारा कभी एक्सपेंस नहीं होता। अकाउंटेंसी में एक्सपेंस का मतलब सिर्फ बेनिफिट लेना होता है। मैं अगले एग्जाम्पल में आता हूं, लेकिन हाँ अभी ये नोट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। आपने क्या करना, इसके आगे 1, 2, 3, 4 अभी 4 लाइन जगह छोड़ देंगे आप इसके आगे, और लिखो मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर एट। कहता है कि मान लो आपका ये कहता है कि आपका ये देखो ये करंट ईयर है, पहले डायग्राम बनाओ और क्लियरिटी लेकर आओ। करंट ईयर आपका 1 जनवरी 2018 से चल रहा है और मेरे बच्चे एंड हो रहा है आपका 31 दिसंबर 2018, ये हमारा करंट ईयर है, बात ध्यान सुनना, ये हमारा करंट ईयर है। लिख दूं मैं यहां पे ऊपर में करंट ईयर आपका, ठीक है ना। अब होता क्या इस करंट ईयर में, जरा बताओ कितने महीने हो गए, 12 महीने। मान लो मेरे फैक्ट्री का जो रेंट है, रेंट जो आपका बता रहा है पर मंथ, लिखो यहां पे जैसे मैं लिख रहा हूं, रेंट पर मंथ आपका, वो कहता है कि आपका यहां पे 20,000 है,
20,000। बच्चे जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं, उसका रेंट कहता है कि 20,000 पर मंथ है। मान लो 20,000 पर मंथ आपका। अब फिर कहता हूं कि देखो जी हमने क्या किया है, हमने क्या किया कि रेंट जो पे कर दिया, रेंट जो हमने पे कर दिया पेड इन कैश, जो हमने कैश में पे कर दिया, वो कहता है कि आपका 11 मंथ का, 11 महीने का हमने रेंट पे कर दिया, 11 महीने का। और कहता है कि अभी जो रेंट पेबल है, रेंट पेबल जो आपका है, रेंट पेबल साथ साथ लिखिए फॉर कितना जी, 1 मंथ। पर बच्चे 20,000 रुपए के हिसाब से कहता कि इस करंट वर्ष में जो 11 महीने का हमने पे कर दिया, ये जो लास्ट महीना है ना आपका, लास्ट महीना कौन सा रहा होगा, दिसंबर का, कहता कि अभी पेबल है, मतलब बकाया है, अभी तक हमने पे नहीं किया। सुनो मेरी बात यहां पे, सर हां सर हां, हम समझ रहे हैं, आगे बोलो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आप जरा इसको देख के बताओ कि आपका एक्सपेंस कितना हुआ, बताओ जरा। अगर मैं पूछूं, लिखो यहां पे कैलकुलेट एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जी, रेंट का। बहुत सारे नाम होते हैं एक्सपेंस के, हजारों नाम है। अरे जरा सुनो तो मेरी बात तो सुनो। आपने कभी लड़का देखा है क्या, सर कैसी बात करते हो सर, हाँ हमने देखा है। जरा बताओ सारे लड़कों के एक ही नाम होते हैं क्या, सबका नाम राम ही होता है क्या? नहीं सर, नहीं, कई नाम होते हैं। किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है, किसी का मोहन है, किसी का सोहन है, बहुत सारे नाम होते हैं सर। किसी का गीता है, किसी का सीता है, बहुत सारे नाम होते हैं। मेरी बेटी का भी नाम है राशिका, मेरे बेटे का नाम है रौनक। नाम सबके अलग होते हैं, होते ना नाम अलग। सर हां, कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कहता हूं कि जैसे एक लड़का या एक लड़की के हजारों नाम होते हैं, उसी तरीके से एक्सपेंस के भी हजारों नाम है। कभी रेंट बोलते हैं, कभी सैलरी बोलते हैं, कभी कमीशन बोलते हैं, कभी एडवर्टीजमेंट कहते हैं, कभी आपका और क्या नाम लूं मैं, कभी बैडेट्स कहते हैं, बैडेट्स आपका हो गया, कभी डिस्काउंट कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम। और अब चिंता नहीं करना, अब तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा मेरी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, अपने आप बोलोगे हाँ सर ये तो एक्सपेंस है। देखो तो अभी कितना मजा आपको आएगा। यहां देखो मैंने इस बार एक्सपेंस क्या बोला, इसका नाम क्या है, रेंट। अब बात कर रहे हैं कि बताओ जरा रेंट एक्सपेंस कितना होगा। यहां देखो मुझे बताओ, आपने 20,000 के हिसाब से 11 मंथ्स का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, आपने 11 महीने का रेंट कितना पे कर दिया, 20,000 इंटू आपका 11 यानी कि 2,20,000 इतना पे कर दिया। अब बताओ एक महीने का बकाया है, ये दिसंबर का कितना बकाया होगा? सर एक महीने का 20,000 के हिसाब से 1 मंथ का 20,000 का अमाउंट आपका, ये हो गया। मुझे बताओ सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेंट यानी कि जो आपका एक्सपेंस है जी फॉर करंट ईयर, जरा बताओ करंट ईयर का आपका एक्सपेंस कितना होगा जरा देख के बताओ। जरा बताओ कि अगर मुझे 2018 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मैंने करंट ईयर में ले लिया, हम उसे एक्सपेंस कहते हैं, जरा देख के बताओ वो एक्सपेंस कितना है। सर अब हम नहीं फंसने वाले सर, आप कहते हो जिसका बेनिफिट लिया, तो सर बेनिफिट तो आपने पूरे 12 महीने का लिया, तो अगर बेनिफिट पूरे 12 महीने का लिया यानी कि जो पे कर चुके हो या जो पेबल है, ध्यान दीजिए मैंने पहले भी लिखा है रेवेन्यू के बारे में, जो पे कर चुके हैं या जो पेबल है, अगर उसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में लिया है, करंट ईयर में, तो आपका एक्सपेंस कहा जाएगा। यानी कि मेरे बच्चे जो पे कर दिया पेड, एक तो वो भी एक्सपेंस है जी, पेड कितना किया 2,20,000। और जरा बताओ पे कितना करना है 20,000। सुनो ये जो पे करना है ना 20,000, इसका मैं एक नाम आपको देता हूं, जो 20,000 पे करना है इसका एक नाम देता हूं, इस नाम को अकाउंटेंसी में हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। कौन सा, रेंट ना, तो आप कह देना आउटस्टैंडिंग रेंट आपका। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बकाया है जिसको हम आज तक पेबल कहा करते थे, हम उसे क्या बोल दिया करेंगे, आउटस्टैंडिंग आपका है। तो बच्चे ये कोई बड़ी बात नहीं है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो पेबल आपका, जो हमें पे करना है, मतलब अभी 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 तक जो हम पेबल पेबल कहा करते थे ना,
पेबल, आपका रेंट पेबल, रेंट पेबल, सैलरी पेबल, कमीशन पेबल, ये पेबल वो पेबल, उसका एक नाम दे दिया हमने, क्या बोला, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका। आप चिंता नहीं करना, इस वर्ड को मैं और आगे तक लेकर जाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें यहाँ पे आपका पे करना है। तो ठीक है, जरा बताओ रेंट आपका फिर करंट ईयर का कितना हो गया, 240,000, 240,000 रुपए, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोई भी आकर आपके कुछ बोल दे, आपको फांसी पे क्यों ना लटका दे, वो पूछे कि जरा बताओ एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो आप ये कभी ना कहना कि पेमेंट करना एक्सपेंस होता है, कहना कि भैया एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट लेना, जितने वैल्यू का बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया हम उसे एक्सपेंस कहेंगे। ठीक है बच्चे, मैं फिर इतना कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आप सचमुच में इतने अच्छे हो चुके हैं और इन सवालों का जवाब अगर आप दे दे रहे हो ठीक से, तो फिर मैं आओ जरा थोड़ा सा और आपसे दो तीन सवाल पूछ लूं, थोड़ी सी और आगे मैं आपको लेके चला जाऊं। लिखो मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर नाइन। अब देखो ये करंट ईयर है, डायग्राम बना लो, इससे अच्छा रहेगा। 1 जनवरी आपका 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018, मान लो इस साल का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस साल की रिकॉर्डिंग। कहता है कि सैलरी जो हमने पे कर दिया, पेड ड्यूरिंग द ईयर, अब मैं महीने ना बताऊं, सिर्फ कहता है कि भैया सैलरी जो पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो हमने पे कर दिया, वो कहता है कि 5 लाख का अमाउंट है। बहुत सारे इंप्लॉय थे, उन सारे इंप्लॉय को 5 लाख पे कर दिया, और कहता है कि जो अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या जी, जो बकाया है सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, कहता है कि फॉर करंट ईयर, ओहो करंट ईयर का कहता है कि बकाया है, करंट ईयर का बकाया है, वो कहता है कि ₹1 लाख। समझ लो मेरी बात। सैलरी के नाम पे जो हमने पेमेंट कर दिया इंप्लॉय को, 5 लाख पे कर दिया, और कहता है कि इंप्लॉय को अभी 1 लाख अभी और पे करना बकाया है। जरा देख के बताओ कि जो 1 लाख रुपए पे करना बकाया है वो करंट ईयर का है क्या? सर हां, वो कहता है कि करंट ईयर का पे करना बकाया है, करंट ईयर का, तो बात खत्म हो गई। अगर कहता है कि कैलकुलेट आपका टोटल एक्सपेंस, जरा बताओ इस बार उस एक्सपेंस का हमने नाम क्या दिया, सैलरी। टोटल एक्सपेंस कौन सी ईयर का, फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब हो गया कौन सी ईयर जी, 2018, हमारे क्वेश्चन में जो होगा हम देख लेंगे। तो 2018 का बता रहा कि बोलो जरा एक्सपेंस कितना होगा, तो सॉल्यूशन में आप एक्सपेंस में क्या बोलोगे, देखो जरा, अगर हम बात करते हैं कि टोटल सैलरी यानी कि टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ, तो जो सैलरी हमने पे कर दिया या जो अभी सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग मतलब जो बकाया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बकाया है, बस एक ही बात ध्यान रखना, इनमें से कोई भी हो, चाहे पेड हो चाहे वो पेबल हो, मेरे बच्चे ये दोनों आपके करंट ईयर के होने चाहिए। मतलब जिस इंप्लॉय से काम आपने करंट ईयर में लिया है, अभी बात आगे जाएगी, और अभी आप कमिट कर चुके हो कि सर अभी हम कोई दिमाग में इफ और नहीं सोचेंगे कि उस साल का हुआ तो क्या करेंगे, इस साल का कुछ नहीं सोचेंगे, जितना बोलेंगे उतने दिमाग में फोकस कराएंगे, बातें अभी चलने दो, 3-4 क्लास में अपने बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हमने कहा कि भैया चाहे पे कर चुका है चाहे पे करना बकाया है, चाहे मैं पे कर चुका हूं चाहे पे करना बकाया है, बस करंट ईयर का होना चाहिए, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में। तो चलो बताओ सैलरी हमारा कितना हो गया जी, सर पे किया आपने 5 लाख, पे किया आपने 5 लाख, और सर 1 लाख अभी आउटस्टैंडिंग है, सर दोनों करंट ईयर का है, ये भी पे किया करंट ईयर के लिए, बकाया है करंट ईयर का, तो टोटल कितना आपका हो गया, 6 लाख, ये हमारा यहाँ पे एक्सपेंस निकल के आ गया। टोटल सैलरी जो आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो कितना रिकॉर्ड किया जाएगा आपका, 6 लाख का अमाउंट। आई बात समझ में, आई सर हां। सर आप कहते हो कि 5 लाख पे किया, 1 लाख अभी पे करना है, तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख का। और चलते चलते अच्छा वर्ड आपको क्या मिलते जा रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया है आपका, ठीक है ना। तो पता मैं अब इस फॉर्मूले को पूरा करना, इस डेफिनेशन को पूरा करना चाहता हूं। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज टेकन ड्यूरिंग करंट ईयर, वो बेनिफिट की वैल्यू, वो वैल्यू जो फर्म ने करंट ईयर में लिया है, ये वो वैल्यू है बच्चे, 6 लाख जो उसने करंट ईयर में लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, फुल स्टॉप। लिखो इसके आगे, इट डज नॉट मैटर ये मैटर नहीं करता,
इट डज नॉट मैटर वेदर WHETHER वेदर पेमेंट हैज बिन मेड और नॉट आपने पेमेंट किया है या आपने पेमेंट नहीं किया है, इससे कोई मतलब नहीं बनता। एक्सपेंस का मतलब होता है करंट ईयर में जिसका हमने बेनिफिट ले लिया, जिसको हमने यूज कर लिया, वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो आप एक काम करेंगे, आप इसको बॉक्स में डाल लें, इसको बॉक्स में डाल लें, और आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो क्लास मेरे बच्चे मैं यहीं पे एंड करता हूं आज की क्लास। बट कोई बात नहीं, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इसी टॉपिक के आगे हम बातों को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक के आगे। तब तक आपको सिर्फ एक काम देता हूं, आप प्लीज अच्छे बच्चे बने, और अच्छे बच्चे बनते हुए कि पीछे के 2-3 क्लासेज में अकाउंटिंग टर्म में जितनी सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, जिस तरीके से समझाई हैं, उनका एक बार आप पूरा रिवीजन कर लें। जब अगली क्लास में मिलेंगे, एक और अच्छे कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे, और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, खासकर अकाउंटेंसी में, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। चलिए तब तक सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे, थैंक यू जी।